गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रवर्णा वृंदे नमस्ते शरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतीर रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मतीर दयांबरा। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आजु भाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आज एकादशी है जो एक बार हरि नाम करेगा उसको 100 बार करने का फल मिलेगा इसलिए जोर से बोला बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमती राधा रानी की जन्म उत्सव के विषय में हम लोग ने श्रवण किया था। कुछ लोग बोलते हैं
आप तो वृंदावन में खूब राधे 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 नाम लेते हो, कभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? उनका नाम भी तो होनी चाहिए। इसलिए कल इस विषय पर हम लोगों ने विस्तृत हम लोगों ने कथा सुने हैं। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम को भागवत में क्यों ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने किया तो भागवत में बहुत सारे श्लोक है जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा रानी को वंदना करते हैं। जैसे रास में जब श्री राधा रानी मान करके चली गई, जब ब्रज गोपियाँ जब कृष्ण भी रास छोड़ करके राधा रानी को ढूंढते ढूंढते राधा रानी को जब अकेले ले गई, गोपियाँ जब कृष्ण विरह में श्री श्याम सुंदर को ढूंढ रहे थे, अर्थात उन्होंने पृथ्वी को ऊपर देखा कृष्ण के दो चरण चिन्ह पड़ा हुआ, क्योंकि कृष्ण का चरण में उन्हीं सोने से चिन्ह है। गोपियाँ सब कृष्ण के चरण की सेवा करती हैं, इसलिए उनको पता है कृष्ण का चरण में क्या क्या चिन्ह है। देखो उनका चरण में एक चिन्ह है, हम कहते हैं ना ठाकुर जी की चरण को चिंतन करो जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। क्यों? बोले उनके चरण में जो उन्हीं से चिन्ह है उसका उन्हीं से उसकी महत्व है। उनके चरण में कमल फूल, अगर उसका स्मरण करो जैसे कमल फूल में बड़ी खुशबू आता है, आपका जीवन में भी बड़ा खुशबू आएगा। उनके चरण में स्वस्तिक है, उसको जो स्मरण करेगा आपका जीवन में कभी अमंगल नहीं आ सकता है। उनके चरण में चक्र है, अगर उसको कोई स्मरण करेगा तो आपका जीवन में जितने शत्रु सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। उनके चरण में जव है, उसको जो स्मरण करेगा उसकी घर में लक्ष्मी कभी कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी हर समय भरपूर रहेगी। उनके चरण में पताका झंडा है, उसको जो स्मरण करेगा उसका जीवन में विजय पताका सर्वत्र उसकी विजय विजय होगा, कभी उसका कहीं परास्त नहीं होगा। इसलिए उनके चरण में शंख है, जो शंख को स्मरण करेगा हर समय उसको विजय की प्राप्ति होगी। इसलिए कृष्ण की चरण की सेवा गोपियां करती हैं, इसलिए उनको पता कृष्ण का चरण में क्या चिन्ह है। लेकिन जब कृष्ण का चरण को देख करके जब थोड़ी दूर गए, देखा उसको बीच में एक छोटी सी चरण चिन्ह। अभी वहां पर तीन तरह का गोपियां हैं, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। बोले स्वपक्ष मतलब जो राधा रानी की चरण की सेवा करते हैं, विपक्ष मतलब एक चंद्रावली की जो पक्ष है, तटस्थ मतलब जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री राधा रानी को भी प्रेम करते हैं। लेकिन अभी जो राधा जी की चरण की जो सेवा करने वाले गोपियां, उनको पता राधा रानी के चरण में क्या चिन्ह है। और ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये राधा रानी की निकुंज महल में जो रहने वाले श्री ये सुख है। श्री सुख मतलब राधा जी की ये प्रिय सुख है, तोता है। अब ये राधा जी की पक्ष, राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह है इनको पता है। जब उन्होंने छोटी सी चरण को देखा, सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। बोले देखो यद्यपि हर गोपियां सोचती हैं कृष्ण हमें प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण सर्वतम रूप में किसको प्रेम करते हैं? यहाँ तो सब गोपियां थी, लेकिन कृष्ण अकेले किसको लेकर गए? बोले अनया राधित नूनम भगवान हरिश्वर। बोले यही गोपी ही कृष्ण को विशेष पूर्वक सेवा करती थी, जिस वजह से कृष्ण केवल इसी गोपी को लेकर गए। ये गोपियां कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए जिस समय ये रासलीला सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं, जो प्रथम श्लोक है, बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनश्चक्रे जोग मायांग मुपासिता। बोले भगवान जो रास की
किसको आश्रय करते हुए उन्होंने रासलीला की, बोले जोग माया है। और ये मूल जोग माया कौन है? जीव को जो जुड़ाने वाले श्री राधा रानी ही कृष्ण को साथ में जीव को जुड़ाने वाली है। कभी वृंदावन में कभी रासलीला देखोगे ना आप, देखना राधा रानी तो सिंहासन में बैठी रहती है और श्री श्याम सुंदर ब्रज गोपियों को लेकर के राधा रानी को पास में जाते हैं, बोले हे ईश्वरी जो रास का समय हो गया है, आप भी तो रासेश्वरी हो, आप कृपा करके रास में पधारो, अभी रास होने वाले। कौन प्रार्थना करते हैं? कृष्ण राधा जी को प्रार्थना करते हैं। इसलिए राधा रानी के बगैर रास असंभव है, इसलिए रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। इसलिए जब रास हो रही थी वहां कृष्ण भी थे, वहां पर चंद्रावली भी थी, श्यामला भी थी, सब गोपियां थी, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़ करके चली जाती है रास खत्म, टूट गई रास। क्यों? रासेश्वरी कौन है? राधा रानी। कृष्ण स्वयं रहते हुए रास खत्म हो गई वहां पर, क्योंकि राधा रानी के बगैर रास असंभव है, रास असंभव है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम श्री राधा रानी को चरण को वंदना करते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जब कृष्ण ये सुखदेव हमारे टीकाकार लोग को दिखाते हैं भागवत में राधा जी का नाम है कहाँ 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 पर है, जब ब्रज गोपियों ने बैठ करके गोपी गीत को गाई, गोपी गीत को गाने पर बोले तासाम अभिभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मन मथ मन मथ। जब गोपियों ने गोपी गीत को गाई कृष्ण स्वयं बीच में साक्षात मदन मोहन रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए कुछ गोपियां तो थी जा करके कृष्ण के चरणों को पकड़ लिए, किसी ने उनको दोपटा को पकड़ लिए, किसी ने उनको गलवहनिया लगाई, किसी ने उनको तांबुल मांगे, लेकिन कुछ गोपियां थी दूर में खड़ी हुई थी, पास में नहीं पटक रही थी। लेकिन एक गोपी दूर में खड़ी होकर के बोले एका भ्रुकुटी महाबाद्या प्रेम संभृत भी बोला। लेकिन एक गोपी बड़ी दूर में खड़ी हुई, बड़े तिरछी चितवन से नजर से कृष्ण को ऐसे देख रही थी जैसे तीर मार रही है, बड़े क्रोधित होकर के। लेकिन भागवत पढ़ो किसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग सनातन गोस्वामी वो कह रहे थे कि ये कौन, वो कौन और वो कौन है। बोले वहां पर तीन तरह का गोपियां थी, कहते जो उनकी विपक्ष गोपियां जो चंद्रावली की दल थी वो कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रही थी, गलवेनिया दे रही थी, तांबुल मांग रही थी। लेकिन जो दूर में खड़ी होकर देख रही थी बोले श्री राधा रानी के पक्ष में जो ललिता विशाखा चंपकलता तुंगोविद्या चित्रा सुचित्रा ये दूर में खड़ी हुई थी, लेकिन जो अकेली जो गोपी दूर से बड़े तिरछी चितवन से देख रही थी माने तीर मार रही थी, कहती वो कौन थी? बोले ये श्रीमती राधा रानी। लेकिन कृष्ण का नजर और कहीं नहीं, कृष्ण का नजर तो केवल उसी गोपी गोपर में थे। इसलिए ललिता विशाखा सोच रही है देखो भले ही कृष्ण का प्यार कोई पकड़े गलवेनिया दे, लेकिन देखो देखो तो सही कृष्ण किसको तरफ में देख रहे हैं, केवल श्री राधा रानी की तरफ में, क्योंकि उनका नाम ही राधा है। राधा मतलब क्या? बोले कृष्ण न आराध्यते दी राधा, कृष्ण भी जिनकी चरण की सेवा करती है आराधना करती है। इसलिए सेवागुंज वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? गए सेवागुंज में गए सबके सब। वो सेवागुंज नाम क्यों पड़ा? कारण क्या है? कृष्ण जहाँ पर राधा जी की चरण की सेवा कृष्ण स्वयं जहाँ पर करते थे इसलिए उसका नाम है सेवा कुंज है। इसलिए भागवत में बहुत सारी जगह पर यहाँ राधा रानी का नाम दिखाते हैं, बोले तो भागवत में राधा जी के सिवाय तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, सर्वत्र श्री राधा रानी का ही नाम है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की। गत कल हम लोग कृष्ण की बाल्य लीलाओं को श्रवण करने थे, जब श्री भोले बाबा को पता चला भगवान कृष्ण गोकुल में बाल गोपाल रूप में ठाकुर जन्म लिया, शंकर जी सोच रहे हैं भगवान के सारे अवतार मैंने दर्शन किया है, लेकिन ठाकुर का बाल्य लीला नहीं देखा। भगवान होकर के जब रोते हैं मैया को पता चलता लाला को भूख लगी, मैया दूध पिलाती है। जब भगवान विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले
अभी मैया जिनकी अंगुल पकड़वा करके टुमुक करके चलाना सिखाती है, ऐसे लीला तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतने में शंकर जी स्वयं अलग निरंजन करते करते शंकर जी वहां पर प्रकट होते हैं। लेकिन इस शंकर जी को तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर, शंकर जी को सुंदर कहते हैं ना, लेकिन शंकर जी का जो बाहर का जो वेश है ना बड़े अभद्र वेश है। शंकर जी को सर पर कौन सा फूल चढ़ता है? धदुरे और आकंद, जो पेड़ कोई नहीं लगाते, जिसको जंगल में अपनी आप हो, कोई बेली चमेली जूई मालती ये सब फूल शंकर जी सर पर नहीं चढ़ाते हैं, आकंद और धदुरे के फूल चढ़ाते हैं, एकदम जो जहरीले फूल है। बोले शंकर जी ये सुंदर सुंदर फूल क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि शंकर जी ये वैष्णवा नाम जथा संभव, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी है। कहते भैया जितने बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे प्रभु राम और कृष्ण सेवा में लगेगा, मैं तो उनका सेवक हूँ, जो चीज को मेरे प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं वो चीज को तो मैं ग्रहण करूंगा। और शंकर जी बड़े दयालु है ना, बड़े कृपालु है, जिसको दुनिया त्याग देते हैं शंकर उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए चंद्रमा सर पर ना जब उनका खैर हो गया, सारा दुनिया त्याग दिया, लेकिन उनको स्वीकार किसने किया? भोले बाबा। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं कहते संत हृदय नव नीत समाना, संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए वो शरीर में कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते हैं शंकर जी, कोई चंदन नहीं लगाते हैं शंकर जी, क्या लगाते हैं? कहते बभूति लगाते हैं। बोले कहाँ की? बोले शमशान की। बोले शमशान की बभूति क्यों लगाते हैं? कारण है शंकर जी गुरु है, जगत गुरु शंकर जी है, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के ये आदि गुरु श्री भोले बाबा शंकर जी, वहां से एक वैष्णव संप्रदाय प्रकट हुआ है। इसलिए शंकर जी जगत गुरु होने का नाते ये दुनिया को शिक्षा देते हैं, भैया जिस शरीर को रोज रोज तुम साबुन से साफ करते हो, जिसको ब्यूटी पार्लर ले जाते हो, इतने बढ़िया क्रीम लगाते हो, जानते हो परिणाम क्या है? एक मुट्ठी राख है और कुछ नहीं। इसलिए शंकर जी राख लगाते हैं और जब जब उसको देखते हैं ना उसको याद आता है, भैया शरीर को जरा प्रेम मत करो, प्रेम करना तो ठाकुर को करो। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी, इसलिए शंकर जी पंचमुख में भगवान का नाम को जप करते हैं। शंकर जी के अलंकार क्या है? कहते कोई सोने हीरे जवाहरात को शंकर जी अलंकार नहीं, गले में देखना सर्प है, इनके हाथों में कमर में सांप ही सांप, ये सर्प कौन है? ये अनंत देव है, शंकर जी के गुरु श्री अनंत देव। शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं अगर अलंकार बनाना तो क्या बनाओ शरीर के? कहते गुरु जी की उपदेश, गुरु जी को ही अपना जीवन का अलंकार बना दो, बास तुम्हारी बिड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी के शरीर में जो कुछ आप चीज देखोगे, क्योंकि शंकर जी जगत गुरु है, सचमुच से शंकर जी सुंदर है, लेकिन शंकर जी सब इस सब चीज को क्यों धारण करते हैं? कहते जो संत होते हैं ना वो अपने आप को छिपवाते हैं, वो छुपवाते नहीं, छुपाना चाहते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी अपने आप को वो छुपाना चाहते हैं, इसलिए कहां पर जाकर बैठ गई? कैलाश में जाकर बर्फ ऊपर बैठी गई, क्योंकि मेरे को भैया कोई तंग नहीं करे, मैं खूब डट करके भगवान की भजन करूं। इसलिए शंकर जी को समझना भैया बड़ा कठिन जगत में, लेकिन वो अपने आप को तो छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो छुपा नहीं सके। क्यों? शंकर जी को पास में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु है। आप बता सकते हो शंकर जी के पास में क्या पवित्र वस्तु है? बोलो कौन बोलेगा, कौन बोला, क्या बोला, बोला शंकर जी के पास? कहते उनको जटा में पतित भावन श्री माता गंगा देवी है। बोले श्री गंगा देवी की ये भगवान की चरणामृत है, ठाकुर जी की ये चरणामृत है, इसलिए उनकी जटा में कौन है? माता श्री गंगा देवी है। इसलिए शंकर जी अपने आप, शंकर अपने आप को छुपा नहीं सके। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए पहुंचे कहां पर? गोकुल में। लेकिन कुछ दिन पहले कृष्ण पुतना को वध किया था, जब नंद बाबा कंस को कर दे करके आए, जब वसुदेव ने कहा जल्दी जल्दी तू चले जा, हो ना हो ब्रज में कोई अनहोनी हो सकती है, क्यों? पुतना गई। इतने में नंद बाबा तो है नारायण,
ये बूढ़े उम्र में तुमने मेरे को लाला दियो है, ये लाला को तुम ही रखिया करना। बोलते बोलते आ रही थे, सचमुच देखा पुतना मरी पड़ी। बोले भैया वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो तो सही बोल रहा था, वो मैं था नहीं ना इसलिए पुतना घुस गई। इतने में नंद बाबा बड़े कड़ी पहरादार लगा दिया, बोले देखो कोई भी व्यक्ति एरे गेरे व्यक्ति आए उसको घर में अंदर में घुसने मत दिया करना, जब तक मैं और मैया जसोदा का आदेश नहीं होना जैसे अंदर में कोई घुस नहीं सके। इतने में भोले बाबा आ गए, और शंकर जी का तो बेस बड़ा भय करे, सांप बिच्छू लटक रहा है। इतने में जब वहां दरवान था, बोले भैया मैंने सुना है नंद के लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे का भयो है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले भैया कुछ दिन पहले ये पुतना आई थी, ये तो बड़ी सुंदर सज करके आई थी, लेकिन तू तो देखने में ऐसे लग रहे हो, तेरे को देखकर मेरा जी घबरा रहा है। हमारे लाला को पर तो बड़े जल्दी जल्दी नजर लग जाती है। अभी शंकर जी सोच रहे हैं, हे भगवान इनको क्या पता ये लाला कौन है, ये तो त्रिभुवन का मालिक है, जिनकी डर से स्वयं काल भी थर 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 कांपते हैं, ये कह रहे हैं ये लाला डर जाएगा, उनको पता नहीं ये लाला कौन है। इतने में उन्होंने मैया को बोले, इतने में मैया आई, बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैंने सुना तेरे घर में के लाला भयो है, थोड़ा लाला को दर्शन करा दे। बोले बाबा दर्शन परसन कुछ नहीं होएगा, जो सोना चांदी लेना ले अपना रास्ता देख, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, कैसे नारायण कृपा से बच गया, उसको तो उठा करके ले गई थी वो, अब तू तो देखने में भी ऐसे लग रहे हो इसलिए लाला का दर्शन नहीं होगा। उन्होंने तो ले करके लाला को घर की कोने में छुपा दी। ए शंकर जी वहीं पर धुन रमा करके त्रिशूल गाड़ पे बैठी गई। बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। एक दिन तक लाला को घर से बाहर निकालोगे ना? बोले बाबा तेरे को पतो है यहाँ चार दरवाजा है, मैं किसी दरवाजा पीछे दरवाजे से निकाल लूंगी। बोले मैं चार रूप में बैठी जाऊंगा, इसलिए आप ब्रज में जाओगे ना नवंदर गांव में चार शंकर जी वहां पर है। बोले मेरा 11 दरवाजा, बोले मेरे भी 11 रूप है, 11 रुद्र है, सारे दरवाजा में बैठ जाऊंगो, कभी तो निकालोगे लाला को दर्शन करके ही जाऊंगा। शंकर जी बैठ गए और उन्होंने ठाकुर जी को स्मरण किया, हे ठाकुर जी बड़े दूर से आया हूँ, तेरे सारे लीला तो मैंने दर्शन की लेकिन तुम्हारी बाल्य लीला को मैंने दर्शन नहीं की, एक बार मेरे को दर्शन दे दे। इतने में शंकर दा डंबर बजाना शुरू किया, ये डंबर जितने जोर जोर से बजाए कृष्ण तो उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार कृष्ण को रोना बंद करने के लिए पूरा परेशानी हो गए, जितने उसको थप-थप लगाए उतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोए, पूरा परिवार परेशानी हो गए। बोले आज लाला को क्या हो गया, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? किसने कहा? वो बाबा ना वहीं पर बैठा हुआ डंबर बजा रहा है, कहते लाला को दर्शन वगैरह जाएगा नहीं। इतने में मैया जसोदा ने कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, और उन्होंने काले कपड़े से ओढ़ करके लेकर के आए। बोले बाबा तू बड़े अखड़ है तो ले दर्शन कर, जब एक झलक दर्शन करा है ना, अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, इतने में तो उन्होंने खिलखिला कर हंसने लग गए, शंकर जी हंस रहे थे रोने लग गए। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया, अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ हाथ देखना जानते, ज्योतिष माता ही सब गिर जाती, बाबा मेरे हाथ थोड़ा देख ले, बाबा बता दो मेरे क्या होने वाले हैं, अभी तो माता जी को सबके सब घेर गए। बोले बाबा तेरे कोई जादू तो ना आता कि नहीं? बोले हाँ आता है। बोले मेरे लाला को ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती, कोई उपाय है क्या? बोले एक बढ़िया उपाय, बोले बता दे बाबा। बोले मैं यहीं रहूंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब जब तुम्हारी लाला पर नजर स्नान कराओगे उस स्नान का जो पानी वो ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा ठीक है। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और ये काम करोगे तो नजर कभी लगेगा नहीं। बोले बोल दो। बोले लाला का जो भोजन कराओगे वो प्लेट में जो बच जाएगी ना उसको ला करके मेरे को दे देना। देखो ये 5,500 साल पहले की कथा है, अगर आप कभी नंदगांव जाओगे ना देखना ठाकुर जी का जहाँ स्नान होता है वहीं से एक नाली आई है, और सीधा शंकर जी के ऊपर भी वो पानी जब ठाकुर का स्नान कराते हैं वो क्या है चरणामृत, वो ठाकुर जी के सर पर शंकर जी के सर पर ऊपर गिरता है,
क्योंकि शंकर जी के जटा पर गंगा है ना, वो गंगा कौन है? जब भगवान ने एक श्री बामन भगवान जब एक प्यार उन्होंने बढ़ाया कहा ब्रह्मलोक में, शंकर जी इसको स्नान करा के कमंडल में रखा था, वही गंगा। ये भगवान की चरणामृत है, इसलिए कांवरों को देखा है नहीं, गंगा पानी लेकर शंकर जी के सर पर डालते खुश हो जाते ना, इसलिए कृष्ण का चरणामृत गंगा है। और जो उनको भोजन कराते हैं, जब भगवान कोई चीज भोजन करते हैं उसको कहते प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब भगवान के किसी भक्तों को भोग लग जाए वो प्रसाद नहीं, फिर वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए नियम है हनुमान जी को, शंकर जी को, देवी जी को, गणेश जी को कभी भी कोई चीज डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए। भोग लगाना तो पहले कृष्ण को हो, राम को हो, नारायण को, इनको भोग लगाओ। ये भोग लगा करके फिर माता जी को हो, क्यों माता जी को नहीं, वैष्णवी है, वैष्णव मतलब जैसे हम लोग वैष्णव है, वैष्णवी है। शंकर जी परम वैष्णव है, हनुमान जी कौन है, राम के एकांत भक्त है, हैं? इसलिए कोई कोई लोग क्या करते हैं, लड्डू लेकर के ना हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, हनुमान जी खा, अरे हनुमान जी क्या भूखे तेरे लड्डू के लिए बैठे हुए, एक मण किया 100 मण भी लगा दो ना हनुमान खाएंगे नहीं। लेकिन कब खाएंगे, जब पहले प्रभु राम के भोग लगे, फिर माता जानकी को भोग लगे, फिर उनको देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा ले। लेकिन जब तक प्रभु राम की कोई चीज भोग नहीं लगता है, हनुमान जी को जितने तीज आप उसको तरफ में हनुमान को भी देखेंगे भी नहीं। इसलिए क्या करना, पहले सबसे पहले भगवान कृष्ण और राम को भोग लगाओ, फिर ये जितने देवा देवियों को ये चीज दो। देखो एक पुराण का एक कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। मतलब एक समय श्री नारद जी, उन्होंने सुना है अगर कोई भगवान की प्रसाद नारायण की प्रसाद को कोई सेवा करे, वो चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु चक्र से खत्म करके वो प्रभु की चरण को प्राप्त करता है। एक दिन श्री नारद जी वैकुंठ में गए और उन्होंने भगवान को प्रसाद मांगे, ठाकुर जी आपके थोड़ा अधरा मृत दे दो। नारायण बोले देखो नारद जी मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी खाना बनाती है, ये भोजन बना करके मेरे को खिला करके क्या करती है, लक्ष्मी को बता, तुम लक्ष्मी को पास में जाओ। अभी वो लक्ष्मी को पास में आई, बोले माता जी ठाकुर जी को थोड़ा प्रसाद दे दो। मैया तो डांट लगा दी, बोले तू बीच से कहाँ से आ गया, मैं इतने कष्ट करके ठाकुर जी के लिए रसोई बनाती हूँ, ठाकुर जी जो छोड़ देते हैं उसको मैं भोजन करता हूँ, तू बीच से कहाँ से आ गया, प्रसाद प्रसाद कुछ में नहीं लगा, यहाँ से भगा दिए। फिर उन्होंने नारायण को पास सुनाए, बोले मैया तो मेरे को भगा दिए, बोले प्रसाद प्रसाद कुछ नहीं मिलेगा। बोले ठाकुर जी बोले नारद एक काम कर सकते हो, बोले प्रभु आप जो बोलोगे सो करने के लिए तैयार है। बोले देखो मेरे मंदिर को पीछे जाओ, एक कुआ है उसका ढक्कन को खोलना, उसमें स्नान करना, स्नान करते ही तुम्हारी ये नारद शरीर छूट जाएगी, तुम एक गोपी रूप धारण करोगे बड़ी सुंदर। फिर माँ लक्ष्मी को पास में जाकर के उनकी चरण की सेवा मांगना, और इतना सेवा करना माँ लक्ष्मी की इतना हद से बाहर, जब माँ लक्ष्मी संतुष्ट होकर के तुमको कुछ देना चाहेगी उनको 3 बार कसम खिलाना, फिर जाकर के प्रसाद मिलेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। कर सकते हो? बोले प्रभु कर सकता हूँ। नारद जी कितने हजार साल तक नारद जी माता लक्ष्मी के चरण की उन्होंने सेवा की, लेकिन इतना सेवा की, बहुत ज्यादा सेवा की, मैया लक्ष्मी तो इतने खुश हो गई, बोले बेटा अभी तक बहुत दासियां मैंने देखी हैं, लेकिन तेरी जैसे कोई सेवा नहीं की, अगर तो इच्छा कुछ इच्छा हो तो मांग लो। बोले आप 3 बार कसम खाओ। मैया 3 बार कसम खाई, जब खाई बोले ठाकुर जी के थोड़ा प्रसाद हमें दे। बोले सच सच तू बता तू है कौन, लगता है तेरा ये असली रूप नहीं है, तेरा नकली रूप है, क्योंकि भगवान की प्रसाद की महिमा किसी को पता नहीं है। और तुम इतने दिन गुप्त रूप में सेवा करके जब मैं वरदना चाहते प्रसाद तो मांगती हो, तू साधारण कोई व्यक्ति नहीं, सही सही बता तू है कौन। इतने वहां पर श्री नारद जी स्वयं प्रकट हुए, बोले श्री नारद बाबा की। जब नारद जी प्रकट हुए बोले हाँ
तुमने पहले आया था ना प्रसाद लेने के लिए? बोले हाँ। बोले तुमको ये रास्ता किसने बताया? बोले ठाकुर जी ने बताया। उन्होंने कसम खा चुके थे, जब उन्होंने ठाकुर जी ने जब प्रसाद पाए, जो बच गया था दाल चावल सब्जी जो बच गया था, उन्होंने उनको माधुकर किया, सब मिला करके उन्होंने श्री नारद जी को हाथ में दिया। नारद जी तो ठाकुर जी को प्रसाद को पा करके श्री नारद जी ऐसे नाचना शुरू कर दिया, वो नाचते नाचते पहुंच गए कहां पर? कैलाश में। शंकर जी भजन कर रहे थे, बोले आज क्या बात है, नारद तो अंदर में तो प्रसन्नता है ही है, लेकिन आज लग रहा है कोई विशेष बात है। बोले नारद जी क्या बात है, आज इतने क्यों आनंद में नाच रहे हो? बोले कितने हजार साल के बाद में ठाकुर जी की प्रसाद हमें मिला है। शंकर जी बोले देखो प्रसाद जो बांट कर खाते हैं ना वो बैकुंठ जाते हैं, मेरे लिए कुछ प्रसाद लाया कि नहीं? बोले ठाकुर जी कितने हजार साल के बाद में माता जी थोड़ी सी। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। उसका सुकर गाओ इसका, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हाँ लगा लगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और निकल दो, गोविंद जय जय गोपाल, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। आगे लाइट आगे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले नारद जी आप इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले ठाकुर को प्रसाद मिला। बोले नियम है प्रसाद बांट कर खाओ तो बैकुंठ जाते हैं, देखो मेरे लिए प्रसाद है कि नहीं थोड़ी बहुत? बोले कितने सालों के बाद में माता जी थोड़ी सी दिया। बोले देखो ना हाथ में लगा हुआ था, सचमुच से देखा नारद जी के हाथ में एक किणी का अन्न की दाना था। बोले भैया इतना प्रसाद बहुत है। जब शंकर जी एक किणका खाए, ऐसे नृत्य करना शुरू किया तांडव, इतने में कैलाश भी डगमगाने लग गया। वहां माता पार्वती थी। बोले आज क्यों शंकर जी नारद इतना आनंद क्यों नृत्य क्यों कर रहे हैं? माता पार्वती पूछे आज इतने क्यों आनंद आ रहा है आपको? बोले ठाकुर जी का प्रसाद हमें मिला है। पार्वती बोली देखो मैं आपकी अर्धागिनी हूँ,
पति को जो कुछ मिले उसका आधा हिस्सा पत्नी की है, मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रसाद रखे कि नहीं। बोले अरे एक किड़ी का प्रसाद मेरे लिए था, बोले जो कुछ था उसमें आधा हिस्सा मेरी थी। इतने में तो माता पार्वती बिगड़ गई, बोले ये और मैं ये कैलाश में नहीं रहूंगी, ये नारद जी को प्रसाद मिला तो ये अकेले खा लिए, शंकर जी के मिला तो उन्होंने अकेले खा लिए, मेरे लिए उन्हें रखा ही नहीं, मैं ये कैलाश छोड़ करके मरते जगत में जाऊंगी। बोले कहाँ? बोले श्री जगन्नाथ पुरी जाऊंगी। जब श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद लगेगा, सबसे पहले मुझे मिलेगी, फिर सारा दुनिया को मिलेगी। अब लोग कोई जगन्नाथ पुरी गए, जगन्नाथ मंदिर को अंदर में गए थे, देखना ठीक जगन्नाथ मंदिर को पीछे ये विमला देवी का जो उनको वाहन पीठ है ना, वहाँ चरण गिरा था जगन्नाथ मंदिर को अंदर में, वहां पर माता विमला देवी है। वहां पर जगन्नाथ जी को प्रसाद को प्रसाद नहीं कहते हैं, वो महाप्रसाद। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी को जो प्रसाद भोग लगता है वो सीधा प्रसाद श्री माता जी के मंदिर में आएगी। माता जी कौन है? ये वैष्णवी। माता जी कौन है? ये वैष्णवी है, यानी कि गले में तुलसी कंठी है, तुलसी कंठी माँ स्वयं पहनती है। ये वैष्णवी देवी कहाँ पर रहती है? बोले जम्मू में। जम्मू कोई गए हो? गए ना? वहां पर देखना एक निम्बार्क संप्रदाय के कोई संत थे, उन्होंने माता जी को दर्शन करने के लिए गई। जब गए रात को मंदिर को नीचे रुक गए, बोले सवेरे माता जी को हम दर्शन करेंगे। लेकिन ये पहले माता जी को पास में बलि चढ़ती थी। जब सवेर हुई वहां भैंस और बकरी को बलि चढ़ी और बड़ी जोर जोर से मैं भय में आवाज आ रही थी। इतने में वो संत ने बताए, बोले भैया क्या बात, इस जानवर की आवाज क्यों आ रही है? बोले माता जी को पास में बलि चढ़ रहे। बोले बलि? माता जी बलि खाती है? ये माँ है क्या? इंसान ही केवल उनको बच्चे जगत में, ये भैंस क्या बकरी उनके बच्चे नहीं? माता जी बलि चढ़ती है? बोले ये माता जी नहीं, ये चंडी माता कभी बच्चों का खून पी सकती है? कभी ये चंडी को हम दर्शन नहीं करेंगे, हम गलती से आ गए, चलो यहाँ से, ये चंडी को हम दर्शन नहीं करेंगे। जब उन्होंने वहां से जाने लगे ना, माता जी जो मेन पुजारी को स्वप्न दिया, बोले देख पुजारी आज से यहाँ पर मेरे कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए, अगर मेरे को कोई बलि चढ़ाएगा तब वंश समेत मैं ध्वंस कर दूंगी, जाओ ये संतों को लेकर के आओ। वो बिगड़ करके जा रहे हैं और उनको बोलना तुलसी माला लेकर के आए और मेरे गले में ये तुलसी कंठ धारण कराए। इसलिए माता जी का नाम तब से पड़ गई वैष्णवी। जो माता हम जैसे वैष्णव है ना, इसलिए माता की आप कभी जाना देखना, माता जी गले में तुलसी की कंठी दर्शन करोगे। इसलिए हम लोग भी गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। पहले मैं बता रहा था ना, जम महाराज स्वयं जम दूत को कह रहे हैं, बोले देखो जिनकी गले में तुलसी की कंठी हो, जिसको देखना तिलक लगाए हुआ हो, भगवान के नाम जब करते हैं मेरे पास में मत लाना। ये स्वयं जम महाराज की आदेश है, ये जम दूत प्रति आदेश है, इसलिए गले में हमें तुलसी की कंठी तो जरूर हम धारण करनी चाहिए। पहले मैं बताया था ना, दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। बोले पालतू कुत्ता क्या लक्षण है? गले में पट्टा बंधा रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं, देखना उसको कोई कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो फालतू कुत्ते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। देखना अगर शहर में ज्यादा कुत्ते हो गए ना, कुत्ता हो जाए सरकार पास में जाकर नाली से कहते ज्यादा कुत्ते हो गए, वो आते हैं लोग किसको पकड़ कर ले जाते हैं, ये जितने फालतू कुत्तों को पकड़ कर ले जाते हैं जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं है। इसलिए जिसके गले में तुलसी कंठी है ना, पालतू है, इसलिए जमदूत उनको पकड़ करके ले जाएंगे जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले जिनकी गले में कंठी तिलक नहीं, कहती वो ब्रह्म राक्षस, वो इंसान नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है। इसलिए गले में जरूर तुलसी कंठी हमें धारण करनी चाहिए। तुलसी को कोई लकड़ी मत समझो, ये लकड़ी नहीं। अब रामदेव पातंजलि में जाओ, वहां पर देखना तुलसी जूस है, किसी दुकान से एक मेडिसिन पूछना तुलसी पावर, अब देखना इतना बड़ा पेपर मिलेगा, उसको पढ़ करके देखना,
कहते 200 तरह का बीमारी की प्रतिषेध का मेडिसिन ये तुलसी में। अभी जो कोरोना आया था ना, रामदेव बाबा ने कोरोना नहीं निकाला था, अब पढ़ करके देखो उसमें तो 90% तुलसी है, 10% दूसरे दवा है। इसलिए हमारे भारत में जो तुलसी पत्ता ठाकुर को प्रसाद में देकर खाते ना, वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्टिक कारण है। वो सारे जितने गंदी जीवाणु सबसे खत्म हो जाते हैं बैक्टीरिया, इसलिए उसमें बहुत साइंटिफिकल रीजन है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो विधान देकर गए ना, वो साधारण विधान नहीं, सबके सब साइंस ही है। इसलिए आंगन में तुलसी वृक्ष लगाते ना, क्यों, ये तुलसी दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी ऑक्सीजन देती है। ये दो तीन पेड़ है जो हिंदू लोग जो पेड़ को पूजा करते, पीपल पेड़, नीम पेड़, कारण क्या पूजा करते हैं, वो दिन में भी ऑक्सीजन, रात में भी ऑक्सीजन यही देते हैं। और जितने सारे वृक्ष देखना, वो दिन में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन जो पूजा करते हैं भारत का लोग, जो जो पेड़ पूजा करते हैं ना, वो ऐसे नहीं पूजा करते हैं, उसमें बड़ी महिमा है। इसलिए गले में जरूर तुलसी की कंठी होनी चाहिए, माँ देवी स्वयं तुलसी कंठी धारण करते हैं। बांके बिहारी को देखो तुलसी की माला पहनते कि नहीं, राम को देखो तुलसी माला पहनते, शंकर जी के सर शिवलिंगों के ऊपर में भी तुलसी चढ़ती है। इसलिए ये तुलसी की बड़ी महिमा है। इसलिए आप लोग, हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग तो हिंदू है, हमारे तो गले में तुलसी कंठी जरूर होनी चाहिए। भैया फालतू नहीं बनो, क्या बनो, फालतू बनो, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते कोई भी चीज हो, सबसे पहले क्या करो, पहले भगवान कृष्ण हो, राम हो, इनको भोग लगाओ। और एक शंकर जी है जो पुरी गए, वहां पर एक लिंगराज मंदिर है, वहां पर लिंगराज है, और इतने बड़े शिवलिंग मुझे लगता है पृथ्वी में कहीं नहीं देखोगे। ये जगन्नाथ पुरी से 7 किलोमीटर पहले एक भुवनेश्वर है शंकर जी का नाम पर, इतना बड़ा शिवलिंग जिसमें हरिहर स्वरूप है और गंगा जमुना की रूप देखोगे। वहां पर और एक शिवलिंग पास में, एक शिवलिंग में करोड़ शिवलिंग, इतने इतने बड़े, इतने बड़े एक शिवलिंग करोड़ शिवलिंग है। वहां पर शंकर जी रहते हैं, वहां पर भी प्रसाद नहीं महाप्रसाद है। जब वह जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो सीधा वो प्रसाद श्री शंकर जी के मंदिर में आएगा। शंकर जी जब वो प्रसाद पाएंगे, फिर वो प्रसाद सब दुनिया को मिलता है। इसलिए माता पार्वती शंकर जी ये कैलाश छोड़ करके जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, केवल श्री जगन्नाथ जी की, ठाकुर जी की प्रसाद को सेवन करने के लिए। इसलिए नियम है, कोई भी देवा देवी 33 करोड़ देवा देवी को कोई भी प्रसाद डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी राम का भक्त है ना, थोड़ी ऐसे खाते हैं। शंकर जी वैष्णव, माता पार्वती वैष्णव भी है, इसलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को किसी भी देवा देवी को दोगे, वो बड़े आदर पूर्वक वो प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भोले बाबा की, बोले माता देवी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो, मोहन से दिल क्यों लगाया है मेरे जान।
एकादशी। एकादशी का मतलब होता है ग्यारस, ग्यारस है ना, कहते हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, कहते पांच कर्मेंद्रियां जिससे हम काम करते हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां जिसको द्वारा ज्ञान आहरण करते हैं। एकादशी का दिन और उसका जो मेन, ये मन है, क्योंकि ये मन सब कुछ का मेन, ये मन है। मन ने बताया चलो भागवत कथा हो रही है, कथा सुनकर का तब पूरा के पूरा सारे इंद्रियां यहाँ कर बैठ गए। अगर मन बोलता अरे क्या कथा सुनने जाकर, टीवी खोल कर देख लो आज बढ़िया सीरियल आएगा, टीवी खोल कर बैठ जाओ देखना, फिर आप कथा में आते आते ही नहीं। इसलिए मन सब कुछ, इसलिए आज ग्यारह से है, ग्यारह से मतलब ग्यारह इंद्रियों को आज भगवान की सेवा में हमें लगानी चाहिए। कैसे लगाओगे, जैसे माता जी नाच रही है, अब जो देखना भगवान के दरबार में जो नाचो ना, दुनिया में बताओ कौन नहीं नाच रहा है, कोई बीवी को सामने नाच रहा है, कोई पत्नी को सामने, कोई बहू को सामने, कोई सास को सामने, कोई परिवार को सामने, दुनिया हम नाच ही रहे, बिना नाचे बगैर दुनिया में कोई रह ही नहीं सकते, सबको सामने सब नाच रहे। बोले कब तक नाचोगे, बोले जब तक ठाकुर के दरबार में नहीं नाच लोगे ना, फिर तो दुनिया को सामने नाचना पड़ेगा, फिर 84 लाख रुपये जोनी में 2 रुपये नाच नाचना पड़ेगा। लेकिन कहते जो ठाकुर को सामने नाच लेते हैं ना, सारे नाचना तुम्हारी खत्म। अभी उनको एक कथा सुना रहे थे, ठाकुर का कीर्तन में नाचने का कितना पहले, देखो ये पद्म पुराणी कथा है। बोले एक समय कार्तिक का महीना थी, किसने ठाकुर जी का मंदिर में दिया, ठाकुर को जला रहे थे, वो दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा वो तेल खाने का लोक में आ गया, वो तेल पीते समय उसको दांत में लग गई बत्ती, वो बत्ती लगते ही वो पीछे हटा, पीछे हटते ही दिया बुझने जा रही थी, वो दिया हो गया तेज, चूंकि उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई, उसने 2-4 बार छलांग लगा दी। देखो ठाकुर जी कितने दयालु हैं। बोले ये कार्तिक का महीना और ये दिया बुझने जा रही थी, उसने दिया को तेज कर दिया और 2-3 बार छलांग लगाया, मानो मेरे सामने नाचा नृत्य किया। क्या फल हुआ आपको पता है, इतनी सी वजह से उसको ठाकुर जी चूहा मृत्यु के बाद में कहते राजा घर में राजा की बेटी बनकर जन्म हुई, राजकुमारी रूप में, और उसका हृदय में बांके बिहारी प्रति भक्ति बनी रही। फिर ठाकुर जी की भक्ति करते करते ना, फिर ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी बनाकर स्थान दे दी। अगर एक चूहा 2-4 बार छलांग लगाने पर अगर भागवत कथा में कोई नाचेगा तो, और आज एकादशी, एकादशी मतलब 11 से है, अगर ये 11 इंद्रिय नाचने पर सब इंद्रिय ठाकुर की सेवा में लग जाती है। इसलिए फिर देखो पता नहीं ठाकुर आपको क्या फल देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतने बढ़िया फल देने वाले। इसलिए एकादशी का दिन सबके सब ठाकुर का कीर्तन में सबको नाचने चाहिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सब जैसे खड़े हो जाओ, फिर दोबारा बैठ जाओ।
Yeah.
हरे कृष्ण। एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में कोई भी आए तो सबके सब एक चीज की प्रार्थना करते हैं, कहते ना राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। रसखान कहते हैं, कहते रमण रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पान। मतलब ब्रज में जाकर के जरूर दो काम करो, एक तो जमुना में आचमन जरूर लो स्नान करो, और रमण रेती में जाकर के जरूर लौट पौटो खानी चाहिए, तभी कोई ब्रज की महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए उद्धव जी ब्रज में भी आए, एक ही चीज प्रार्थना की, बोले आशा महो चरण रेणो जुसाम महान श्याम वृंदावन किलम पी गुलमलतोष दिना। श्री उद्धव जी ब्रज में आए, वो भी यही प्रार्थना की, क्या मेरा कभी ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज की गुलमलता औषधि के रूप में मेरे जन्म हो जाए। क्यों? बोले राधा रानी की गोपियों की चरण धूल भी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा भी आए, वो यही कहते हैं, ले तद भूरि भाग्यम यह जन्मम किम अटव्यम जत गोकुल अपि तथमांग्रिय जो विषयकम। वहां पर ब्रह्मा भी कहते ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनकी घर को सामने वो पत्थर जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कम से कम उनकी चरण धूल तो मेरे को मिलेगा। एक दिन कृष्ण सोच रहे सारा दुनिया मेरी चरण धूल प्रार्थना करते हैं, भैया हमारी चरण धूल में है क्या चीज। एक दिन कृष्ण ब्रह्मांड घाटों में सखाओं के साथ में खेलते खेलते एक दिन कृष्ण ने क्या किया, धूल खाना शुरू कर दिया, मिट्टी खाना शुरू कर दिया। सखाओं ने समझाए, बोले कन्हैया मिट्टी मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन सुने नहीं, मिट्टी खाते जा रहे। इतने में सब सखाएं जाकर के मैया को नाल शिकायत करते, बोले मैया कन्हैया आज इतने मिट्टी खा रहा है, किसका बोलना सुन नहीं रहा है। मैया तो लठिया लेकर के सीधा आ गई, कृष्ण का कान को सीधा पकड़ी, बोले चूरे चोर चोटे घर में क्या मक्खन मिश्री की कमी। कहते अपवित्र है, बोले जिनकी नाम लेने से कहते ना नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वा भस्ताम गतो पीवा जह स्मरेत पुंडरीकाख्यम सबाया भयंतर सूची। बोले जिनका नाम लेने से बाहर भीतर पवित्र हो जाती है। मैया कहती तू अपवित्र, तेने मिट्टी खाई, सीधा तो कृष्ण झूठ बोल दिए। बोले ना अहम भक्षितवानम हो सर्वे मिथ्या विसंसिनम। बोले मैया सबके सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे। बोले तू एका सत्यवाद हरिश्चंद्र सब झूठे। बोले हाँ मैया। बोले आज क्या हुआ तेरे को पता? बोले क्या? बोले जितने सखा है ना घर में लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज खाता नहीं? मैया बोले अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता है। बोले ये मेरे को जोर जबरदस्ती बोले खाओ, मैंने खाया नहीं, ये समझ गए घर में चुगली कर देगा ये, और मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर दी। तू जल्दी इनकी बात सुनती, मेरी बात तो सुनती नहीं। लेकिन हर माता है ना अपना बच्चे का करतूत सब माताएं जानती हैं। इतने में कृष्ण ने बोले हे मैया अगर मैंने मिट्टी खाई मुंह से तो खाई? बोले हाँ। बोले मैं मेरे मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण ये सोच रहे थे अगर मैं मैया को ये बोलूँ ना मैया मान जाएंगे, लेकिन मैया थोड़ी मानने वाली थी, एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। एक धमकी लगाई तो झट कृष्ण का मुंह खुल गया। जब मुंह खुल गया कृष्ण तो मिट्टी खाए थे, ऑलरेडी मुंह में मिट्टी लगा हुआ है। इतने में कृष्ण सोच रहे हैं एक हाथ में तो कान पकड़ के रखी, दूसरे हाथ में डंडा है। बोले अगर मुंह में मैया अगर मिट्टी देख लिया ना एक डंडा नीचे नहीं पीठ के ऊपर पड़ेगा। कृष्ण सोच रहे, देखो यहाँ पर कृष्ण की एक इच्छा शक्ति जोग माया जो कृष्ण की इच्छा को जानकर सारे काम करती है। इतने में जोग माया ने देखा भगवान के मुंह में मिट्टी है, मैया अगर मिट्टी देखा ना एक डंडा नीचे सब पीठ में पड़ेगा। और प्रभु की सारे लीला को पुष्टि करने वाली यही जोग माया, सब लीला को अगर मैं रहते रहते भगवान पीट गए भैया मेरे ऊपर दोष लग जाएगा, मैं रहते रहते भगवान पीट गए। इतने में जोग माया ने किया कि इतने छोटी सी मुंह में ना उन्होंने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, कितने शंकर कितने ब्रह्मा कितने नदी नक्षत्र चंद्र ग्रहण। मैया खुद को खुद भी अंदर में देख रही थी,
इतने में मैया तो डर गई, बोले हे भगवान क्या मेरे लाला भगवान है? क्योंकि भगवान के पेट में विश्व ब्रह्मांड है, क्या लाला मेरा भगवान है? जब इतना मैया के मन में आई, कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे घर में सालग्राम के लिए मैया ने छोटी सी घर बना कर रखी और वहाँ थोड़ी सी लड्डू भोग लगा देती, नहीं तो दूध, और घंटा हिला करके बोले तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव विद्यां द्रविणा तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। जैसे मैया थोड़ी सी भोग लगाकर दरवाजे को बंद कर देती है, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, मैया मेरे लिए भी छोटी सी घर बनाई और मेरे को अंदर में बंद करके बास बातासा नहीं तो इलाची दाना भोग लगाकर मेरे को भी बंद कर दिया। फिर मैं जो सखाओं के साथ में ये लीला करता हूँ, लीला होगी नहीं। कृष्ण तो डर गए, अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति, कृष्ण को इच्छा जानकर सारे काम करती, इच्छा शक्ति देखा तो गड़बड़ी हो गई। मैं तो विश्व रूप तो दिखा दिया लेकिन उल्टा बढ़ गई। इतने में जोग माया ने किया कि सबके सब लीला को हमने अंतर ध्यान कर दी, देखा वही छोटी सी मुख और कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। इतने में मैया तो डर गई, इतने में क्या मैं कोई अलाई बलाई कोई भूत देख रही थी ना क्या? इतने में मैया ने काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून को मंत्र करके छिड़काव करवाए, गोमूत्र से कन्या का स्नान करवाए। हाँ देखो, अब आप लोग ये बताओ भगवान ने मीठी खाई थी कि नहीं? बोलो खाए थे ना, तो भगवान यहाँ झूठ कैसे बोल दिया? मैंने मीठी नहीं खाई। दुनिया बोलेंगे क्या ठाकुर जो भूल बोले, ठाकुर झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं, और हम जब झूठ बोले दोष है बोलेंगे ना। इसलिए एक बल्भाचार्य हुए, ये निम्बा विष्णु स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़े संत, वो कहते हैं भगवान कभी झूठ झूठ बोल ही नहीं सकते, अगर भगवान झूठ बोलेगा ना इस दुनिया ही झूठा हो जाएगा। इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक में क्या कहते हैं, बोले सत्यं परम धीमहि, भगवान परम सत्य है। जब मातृगर्भ में भगवान आए एक साथ में 33 करोड़ देवता बोल रहे थे, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सो जोनी निहितम च सत्य, भगवान को सत्य सत्य बोल करके 33 करोड़ देवता बोल रहे थे, तो भगवान झूठ कैसे बोल दिया? बोले झूठ बोल ही नहीं सकते भगवान, है अभी तो मिट्टी खाकर सीधा बोल दिया, मिट्टी नहीं खाई। तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए। आप बताओ खाना किसको कहते हैं? जब हमसे कोई चीज अलग हो, जब हम उठा कर कहीं तभी तो खाना बोलते है ना। भगवान तो विराट रूप दिखाई, बोले मैया तू कहते हो मैंने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई कब? दुनिया तो मेरी अंदर में। हमसे जब कोई चीज अलग हो खाए तब तो उसको खाना कहेंगे ना, दुनिया तो मेरे अंदर में खाया कब? पहला कारण बताए। दूसरा कारण बताए, ये संस्कृत शब्द है, इसका जब संधि करते ना अहम भक्सी तो वानवो, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, इसको जब अलग करते, लेकिन इसको अलग नहीं करते, जो एक ही शब्द रखते हैं ना वो होता है नाहम। ये नाहम का पर्यायवाची में होता है एक अर्थ है ब्रह्मांड। बोले मैया तू मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है? नहीं हो तो मैं मुंह खोल कर देख दिखा देता हूँ, देख मैया। इसलिए उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो त्रिकाल सत्य जो सनातन है, अगर वो झूठ बोलेगा दुनिया भी झूठा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको द्वारा उन्होंने प्रतिपादन करते भगवान झूठ नहीं बोले। लेकिन भगवान जो मिट्टी खाए हैं क्यों खाए, अभी बता रहे थे ना, भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जो ब्रज रज है ये साधारण वस्तु नहीं है, जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी ब्रज रज के लिए तरसते हैं। इसलिए कुछ दिन आप पहले सुना था ना, भगवान ने 20 खाए, उतना ने जहर लेकर के आए, अभी उन्होंने 20 खाए। अभी मानो ठाकुर जी अभी तो 20 खा लिए, अभी तो धोना पड़ेगा ना। मानो ठाकुर जी ने क्या किया, उन्होंने मिट्टी खाकर मुंह को उन्होंने धो लिया। दूसरा कारण कहते हैं ये मिट्टी का एक नाम रसा, और भगवान आगे जा कर के रासलीला करेंगे, इसलिए उन्होंने रस का थोड़े से उन्होंने आस्वादन कर दिया। इतने में बलदेव प्रभु मैया को पास में भी शिकायत कर दी। इतने में मैया जसोदा बोली, कृष्ण ये बताओ
सखा लोग जो बोल रहे तुमने मिट्टी खाई, बोले सब झूठ बोलते, बोले बलदेव प्रभु क्या झूठ बोलेंगे, ये तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोले दाव बताओ तो कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं, बोले मैया खुद देखा मिट्टी खाते हुए। बोले कन्हैया फिर क्या करोगे, बोले मैया जो दाऊ भैया ना ऊपर में देखने तो गोरो हैं अंदर में बड़े काले हैं, हैं ये ऊपर में देखने में गोरे अंदर में बड़े काले भैया, आज ये सबके सब सखाओं का पक्ष, उन्होंने सखाओं का पक्ष ले लिया। अभी कहती बलदेव प्रभु फिर क्यों बोल दी, बोले कारण है, बोले कन्हैया जब तुमने कोई भी काम किया मेरे को लेकर, तुमने किया कोई भी काम किया तुमने मेरे को सारे काम को लेकर के, लेकिन आज मिट्टी को रस को तो अकेले कहीं सिखा दिया, इसलिए उन्होंने क्या किया मैया से उन्होंने शिकायत कर दी। इसलिए उन्होंने बहुत सारी शिक्षा देते हैं। और जो ब्रज रज ये कोई साधारण वस्तु नहीं, देखो ये जो तिलक लगाए ना, अब सुन लो ये तिलक क्या चीज है, हम ये तिलक क्यों लगाते, इसका क्या रहस्य है, ये ब्रज रज है। एक समय नारद जी भगवान कृष्ण से पूछे, बोले प्रभु जगत में सब बोलते हैं आपके भक्त है, बताओ तो सारे भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन है। भगवान बोले नारद जी समय आने पर मैं बता दूंगा। एक दिन ठाकुर जी जान बुझ कर बुखार सर दर्द की लीला की, वसुदेव महाराज वैद्यों को बुलाए लेकिन रोग सही नहीं हो। इतने में नारद जी आए, बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर जीव जितने सारे रोग बीमारी से कहते सर्व व्याधि विनाशनम सर्व रोग उपशमनम शांतिदम ख्यांतिरिष्टम हरे नामानुकीर्तनम। बोले भगवान के नाम लेने से सारी बीमारी खत्म हो जाती है, सारे रोग उपद्रव खत्म हो जाती हैं, जिनका नाम लेने से शांति दम शांति मिलती है, हैं? बोले अच्युत नाम उच्चारण मात्रे न क्या होता है, बोले जितने सारे व्याधि दुख कष्ट सब खत्म हो जाती है। बोले आज तेरे को ये बुखार सर दर्द तो बड़ा विचित्र लीला है, बताओ प्रभु सही कैसे होएगा। बोले नारद जी ये सही हो सकती है अगर मेरे कोई भक्त मेरे को अपना चरण धूल दे दे, ये चरण धूल से मेरे को स्नान कराया जाए, मेरे रोग सही हो जाएगा। बोले नारद जी दुनिया कहते तो मेरे परम भक्त हो, अपना चरण धूल दे दे मेरे को स्नान करा जाए सही हो जाएगा। बोले राम 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 राम, प्रभु आपका चरण धूल देकर क्या नरक जाना चाहते, नरक जाऊंगा, मैं चरण धूल नहीं दे सकता हूँ। बोले द्वारका में मेरे बड़े बड़े भक्त है, 16,108 पटरानिया उद्धव सात्विकी किससे भी मांग करके लाओ, और जिन जिनियों को पास में गए नारद जी सब गाली निकाले। बोले भगवान को चरण धूल देकर नरक जाना हम चाहते हैं, हम नहीं दे सकते, वापस आ गए। बोले नारद जी चरण धूल मिला, बोले प्रभु सबके सब गाली मिला चरण धूल किया। बोले सारा दुनिया में गए, बोले सब जगह में गए। बोले वृंदावन गया था, वृंदावन गए हो, बोले प्रभु मैं केवल वृंदावन नहीं गया। बोले क्यों, मैंने देखा ये ग्वाल इंडिया कंडे बिंडे दधि मथन करने वाली ये जंगल में रहने वाली उनको भक्ति भक्ति क्या बताए। बोले नारद जी असली भक्त तो वही है और सब नकली है, एक बार वृंदावन जाकर के देखो। अभी नारद जी जब वृंदावन आए सब ब्रजवासियों को पता चला नारद जी द्वारका से आ रहे हैं, वे सबके सब इकट्ठे हो गए। बोले हमारे लाला कैसे हैं, हमारी सखा कैसे है, हमारी प्रियतम कैसे है। बोले कृष्ण तो बुखार सर दर्द, बोले दवा दिया नहीं, बोले दवा तो लेने के लिए आया, बोले किस चीज की दवा। बोले ठाकुर जी बोले कोई भक्त अगर अपना चरण धूल दे, चरण धूल से मेरे को स्नान कराया जाए, मेरे को सारे सर दर्द बुखार सही हो जाएगा। बोले नारद जी कोई बोरी फोरी लेकर के आया कि नहीं तुमने लेने के लिए। बोले नहीं, इतने में जितने ब्रजवासी थे ना वो अपना चरण को रगड़ रगड़ करके धूल निकाली, सब चरण रगड़ रगड़ कर धूल निकाली और उन्हें के पोटली बांध करके नारद जी का सर पर रख दिया, ले जा कृष्ण को स्नान करा देना। नारद तो देख देख रहे हैरान, बोले तुमको डर भाई नहीं, तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान है, तुमको पता नहीं ये बात। बोले पता है भगवान, बोले तुम लोग मेरे चरणों धूल देकर के नरक का रास्ता साफ कर रहे हो। बोले कृष्ण के सुख के लिए एक जन्म नहीं, अगर करोड़ों जन्म भी हमें नरक जाना पड़े हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का हम दुख नहीं देख सकते। बोले भैया असली भक्त तो यही बैठे। फिर उन्होंने वो चरण धूल से द्वारका से उन्होंने लेकर के वृंदावन से द्वारका गए। अब लोग द्वारका गए हो, वहां पर एक गोपी तालाब, कभी जाओगे तो दर्शन करोगे, ये जो हम तिलक लगाए ना वो वहीं से आता है, ये ब्रजवासियों का चरण धूल है। देखना इसी चरण धूल को हम नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी को देखो, स्वयं कृष्ण को देखो,
स्वयं नारायण को देखो, स्वयं राम को देखो, यही ब्रजरज को तिलक ठाकुर जी लगाते हैं। जब तक तिलक आप धारण नहीं करोगे, जैसे घर में ब्राह्मण आता है, अगर जब तक तिलक नहीं लगाएगा ना, पूजा नहीं करता है। बोले क्यों? तिलक के बगैर सारे पूजा पाठ निष्फल है तुम्हारे। जैसे कोई युद्ध के लिए कोई अच्छे काम के लिए जाए, तिलक लगा कर भेज दे, विजय तुम्हारी प्राप्त हो। इसलिए तिलक के बगैर नहीं तो ठाकुर जी क्यों लगा दे भगवान होकर के। हम जो तिलक लगाते हैं, पहले बताया ना, ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु है, ये महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भगवान के दो चरण है। उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देते हैं। इसलिए ये जो तिलक है, ये हरि मंदिर है, इस जो हम बार जगह पर तिलक लगाते हैं, ये तिलक का एक एक नाम है। जो पुतना आ गई थी ना, भागवत पर करके देखो, माँ जसोमती कृष्ण को द्वादश अंग में तिलक धारण लगा। ये जो तिलक है इसका नाम ललाट केशव है, उदर में नारायण, बख्य माधव, कंठे गोविंद, दक्षिण पार से विष्णव, दक्षिण बाहु में मधुसूदन, दक्षिण स्कंध त्रिविक्रम, बाम पार से बामन, बाम बाहु में श्रीधर, ऋषिकेश दामोदर, पद्मनाभ वासुदेव। इसलिए जो द्वादश अंग में भगवान नाम रूप में हमारी शरीर में बैठते हैं, ये तिलक की इतने महत्व है, इतने महत्व। अगर तिलक लगा कर किसी काम के लिए जाओ, जरूर काम बनेगा। तिलक लगा कर कहीं जाओ, जैसे करने का शरीर में कवच था, जब तक कवच रहेगा उसको कोई नहीं मार सकते हैं। जब तक आपका शरीर में तिलक है, कोई भूत विशाज डाकिन साकिन ग्रह कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। कहीं एक्सीडेंट भी आपके नहीं हुआ, कोई विपत्ति नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कवच रूप में भगवान बैठे हैं। कितना जाके रहके सानिया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जो गैरी भाई। देखो आपके दो प्रत्येक घटना बोलता हूँ। मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, मैं गया था एक जगह वर्षा में पैर में, वहां गया था, एक माता जी आई, बोले बाबा मेरे को भूत साक्षात दिखते हैं, मैं रात में सो नहीं पाता, पेट में गर्भ में बच्चा धारण नहीं कर सकता, मेरे को ऊपर में कोई प्रेत भूता प्रेत आता है। मैंने बोला ये तिलक को लगाओ, और वो मंत्र दिया स्थापन करने के लिए, आचमन मंत्र दिया, बोले इसको करो। बोले जब उसने एक दिन किया ना, दूसरे दिन भूत भूत खत्म। और 10 साल से शादी हुई, पेट में बच्चा नहीं आता था, लेकिन मैं जब दूसरा साल गया ना, उसको एक बेटा देखा, जन्म हुआ बेटा, फिर वो बेटा का नाम मैंने राधाकांत नाम दे कर आया, छोटा बेटा का नाम है। और हमारे मैं दिल्ली में कथा करता हूँ, एक स्थान अशोक नगर, ये नोएडा में, देखो तिलक की क्या महिमा। एक माता जी मेरी शिष्या है, वो तिलक लगाता है, उसको 2 साल की एक लड़की थी, वो 4 मंजिल के ऊपर में रहती थी, उसने तिलक लगाते बच्चे को भी तिलक उन्हें लगाया था है। इतने में 4 मंजिल ऊपर से वो छोटी लड़की थी, वो नीचे झांक रही थी, नीचे झांक रही तो वहीं से उसने नीचे गिरी। आप बताओ, 2 साल की बच्ची अगर 4 मंजिल से निकलेगा छत्तू हो जाएगी, लेकिन वो चूंकि तिलक लगा कर रखे तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी देखो वो लड़की बढ़िया है। ये तिलक की इतने महिमा है, तो ठाकुर क्यों तिलक लगाते, हनुमान जी क्यों तिलक लगाते, गणेश जी को तो तिलक है, सारा दुनिया तिलक लगाते हैं। इसलिए भैया, जब ठाकुर जी को शर्म नहीं लगता है, हमें क्यों तिलक शर्म लगेगा। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, थोड़ी दुनिया को दिखाने का जरूरत है, भक्ति करो अंदर अंदर में करो ना, दुनिया को क्यों दिखाओगे हैं। देखो एक उदाहरण गुरु जी कह देते थे, जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बैठी हुई हैं, जैसे कोई सधवा विधवा, हमें पता कैसे चलता है ये सधवा विधवा है, अपने सिंदूर लगाया, मांग भरे, नाक में बेसर पहने, चुड़िया पहनी, लाल नील का सब सब कपड़ा पहन के रखे हो, क्यों? आप सधवा हो, सधवा, क्या दुनिया को दिखाने का जरूरत, तुम सधवा है, दुनिया को क्यों दिखा रहे, अंदर में रखना पति को। जैसे पति तुम्हारी जिंदा, अगर ये सधवा का सारे चिन्ह उतार दो, विधवा रूप धारण करते हुए पति को सामने जाओ, तुम्हारी पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलेगा मैं जिंदा रहते रहते तुमने मेरे खत्म कर दी। जब जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है, वो परम पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा। इसलिए अगर तुम्हारी गले में कंठी नहीं, तुम्हारी तिलक नहीं, जितने ठाकुर जी को बोल दो मैं तेरा तू मेरे हो, ठाकुर बोलेंगे तेरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, क्या तुम्हारे अंदर में लक्षण है, तुम मेरे को मानते हो। गले में अगर कंठी तिलक हो ना, माला हो, ठाकुर को बोलने का जरूरत नहीं, ठाकुर स्वयं स्वीकार कर लेंगे। जैसे जैसे सुहागिनी नारी, अगर सोहाग का चिन्ह धारण करते हुए पति को सामने जाओ, पति अपने आप मान लेगी तुमको, ये मेरी पत्नी है,
अगर इसको उतार करके जाओ पति भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। पति कब बना तुम्हारे? शादी से पहले कोई मतलब था? बीच में ज्यादा लड़ाई हो जाए डाइवोर्स हो जाती है, मरने का बात तो खत्म है। दो दिन पति के लिए इतने श्रृंगार भर लेते हो, सिंदूर मांग भर लेते हो, जो असली पति उसके लिए क्या लक्षण है तुम्हारी अंदर में? इसलिए शास्त्र कहता है जरूर गले में कंठी लगाओ, जरूर तिलक लगाओ, जरूर भगवान की माला को जरूर धारण करो, नहीं तो भगवान की भक्त बोल करके हम ठाकुर जी को बोल नहीं सकते। ठीक है ना? सबके सब गले में कंठी, फालतू बनना मत बनो। क्या बना ठाकुर जी की? पालतू बननी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्णा धीरे धीरे कृष्णा बड़े होते जा रहे हैं। अभी ब्रज गोपियां सोच रही थी, कृष्णा जब ब्रज गोपियों के घर में प्रभु मक्खन चोरी करते हैं, गोपियां सोचती हैं कृष्णा तो यहाँ पर आकर के मक्खन चोरी करते, सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन मैया जसोदा को पता नहीं चलता कृष्ण कितने सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इसलिए गोपियां कभी कभी मैया जसोदा को पास में शिकायत की बहाना लेकर के आती हैं। शिकायत नहीं है, शिकायत की बहाना लेकर के आते हैं। बोले मैया तुम्हारी लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोले भैया मेरे को विश्वास नहीं होता है, कभी मेरे को रंगे हाथ से पकड़वा करके दिखा दो फिर तो मैं मानूंगी कृष्ण चोरी करते हैं। हैं? फिर मैया बोली एक काम करियो, मेरे लाला तो छोटो सा है, हाथ तो ऊपर नहीं पहुंचेगा, एक काम करो। बोले क्या है? बोले उच्चे छिके में रखा करो मखर, फिर लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैंने मैया वो भी करके देख लिया। बोले फिर कोई घर में जीना सीढ़ी क्या बना कर रखे हो? बोले बनाने का जरूरत नहीं, भगवान ने तेरे बेटा का दिमाग में इतने तेज बनाए वो स्वयं सीढ़ी बना देता है। बोले कैसे? बोले दाऊ भैया थोड़े मोटो सो, उसको नीचे बैठा देते हैं, उसको ऊपर श्रीदा, उसके ऊपर मधुमंगल और कृष्ण ऊपर चढ़ करके उतार देते हैं। मैया बोले एक काम करियो अंधकार में रखो, मेरे लाला को अंधकार डर लगता है। बोले मैया तो लाला का शरीर में जो हीरे जवाहरात तो पहनाती है ना, वो अंधकार में जाते ही अपने आप आलोक हो जाता है। बोले इसको उतार दो। बोले नहीं मैया उसको उतारने का जरूरत नहीं। बोले फिर क्या बोलते हो? बोले मैया कोई चिंता की बात नहीं, इसलिए तेरे लाला जो आता है ना उसको दर्शन करके हमें बड़ा आनंद होता है। इसलिए कभी कभी गोपियां तो शिकायत का बहाने में ठाकुर को दर्शन करने के लिए जाते थे। ऐसे ही एक गोपी रोज रोज बोलती है, मैया कहती है भैया मेरे को विश्वास नहीं होता, एक बार मेरे को दिखा दो। क्योंकि आप लोग नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए? वहां पर देखना कि कुंड है, उसका नाम ही छाँच कुंड है। मतलब इतने दूध दही होता था, इतना छाँच होता, पीने वाले नहीं होते थे, उसी में ही छाँच को उड़ाल दिया करते थे। घर में कितना गैया थी? 9 लाख। दूध दही की तो नदी बहती थी, अभी भी वही मटकी है, कभी जाओ तो नंदगांव में दर्शन कर, इतना बड़ा मटकी, पता नहीं कितने मण दूध उसमें, दही उसमें, मैया जसोदा उसमें मंथन करती थी। हैं? इसलिए कहते मेरे घर में थोड़ी कमी है, मेरे लाला तुम्हारी घर में जा जा कर मेरे को विश्वास नहीं होता है, इसलिए रंगे हाथों से पकड़वा दो। एक दिन एक गोपी ने किया कि सुंदर उन्होंने दही की मटकी रख दी और एक कोने में छुप करके बैठ गई। कृष्ण गए, इधर देखा उधर देखा पीछे देखा, बोले कोई है नहीं, जैसे बिल्ली धीरे धीरे चलता है ना, वो बिल्ली जैसे धीरे धीरे गई, जा करके कृष्ण मक्खन खाने शुरू कर दिया। वो गोपी तो कृष्ण के लिए रखा था, इतने में जब कृष्ण मक्खन खा लिया ना, इतने में गोपी झट पकड़ लिया। बोले कहाँ जाओगे? मैया मानती नहीं, मेरे लाला मक्खन चोरी करता है, आज तक बांध करके रखूंगी, मैया को बुला करके दिखाऊंगी। ले इधर आ, ये खंबे पर हाथ रख। कृष्ण दोनों हाथ को रखे, अपना जो चोटी से रिबन को निकाल फीता, कृष्ण को बांधने के लिए गई। कृष्ण का हाथ तो बड़ी कोमल है, जब बांधने के लिए जाए सरक जाए खिसक जाए। इतने में कृष्ण ने बोली गोपी तुमने कभी जिंदगी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले भैया जब तक तुम बंधी नहीं जाओगे तो कैसे दूसरों को बांधोगे? बोले लाला क्या तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या? बोले हाथ रख, अभी तेरे को मैं सिखाती हूँ। इतने में गोपी ने हाथ रखी, कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे एक गांठ गुण गांठ बढ़िया से गांठ बांधती। बोले लाला तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले
तेरी बात छोड़ दे, मैं तो अपना प्रेम से बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को भी, बड़े बड़े जोगी को भी मैं अपना प्रेम में बांध देता हूँ। बोले लाला खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैंने इसको खोलना सीखा ही नहीं, सब तो मैंने अपना प्रेम में बांधना ही सीखा। बस कृष्ण न तो ग्यारह वास बांटे। ऐसे ही एक गोपी रोज रोज बोले, मैया बोलती है हमको दिखा कर, दिखा दे तभी मैं मानूंगी, नहीं तो मानूंगी नहीं। वो गोपी गई थी कहाँ पर? वो गई थी गोपी जमुना में पानी भरने के लिए। जो पानी भर करके आती है ना, देखा कृष्ण घर में बैठे हुए मक्खन खा रहे हैं। बोले पता नहीं, मैया को पास में जाओ तो रूप बदला लेता है। बोले आज मैया को बुला करके दिखाऊंगी। झट उसने दरवाजा बंद करके वो चाबी काठी लेकर के आई मैया को पास में, बुला करके दिखाई। जब मैया को पास में आई ना, कृष्ण घर में कुछ नटखट कर रहे थे। देखा मैया ने लाला को उखल में बांध करके रखा। बोले ये तो यहाँ कैसे? उसको तो घर में मैंने बंद करके था, यहाँ पर कैसे? सोचा क्या, ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए। ये आश्चर्य बात जब दूसरे गोपी को बोलने के लिए गई ना, देखा वहां पर उसकी बच्चे को साथ में कृष्ण घर में खेल रहे। बोले ये क्या, एक कृष्ण तो घर में, एक कृष्ण यहाँ, एक कृष्ण क्या ब्रज में तीन कृष्ण हो गए। जब उसने तीसरी घर में गए ना, देखा उसको बच्चे को साथ में खेल रहे। चौथे घर में गए तो देखा गोपी उसको मक्खन खिला रही है। अभी जिस जिस घर में जाए, ठाकुर जी की अलग अलग लीला करते हुए ठाकुर जी को देखे। इतने में तो गोपी वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसको होश आई, कृष्ण बोले गोपी तो ये मत समझो मैं तेरे घर में आता हूँ, नहीं, ये ब्रज में सब गोपियों को घर घर में लीला करता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे को बड़े प्रेम से बुलाते हैं। कहते आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा। कोई कोई मस्किन में भोली भाली गई अनके, कोई कोई मस्किन में भोली भाली गई अनके। तेरे लिए सही सही राखी नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया सा। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल दर्शन चार भगवान की जय। एक दिन मैया बोली लाला लगता है तेरा शादी होना कठिन होगा। बोले क्यों भैया? मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ कैसे शादी होगी? अभी ब्रज में घर घर में हल्ला हो रहा है, प्रचार हो गया, तू घर घर में क्या मक्खन चोरी करता हो? बताओ किसी चोर को कोई बेटी देगा? लगता है तू कुंवार का कुंवार रह जाओगे, तेरी शादी वादी कुछ नहीं होगी। कृष्ण बोले मेरी शादी नहीं होगी। आप बताओ संसार में हम जितने पढ़ाई लिखाई दुकान वकान क्यों करते हैं? शादी के लिए, बढ़िया घर में हमारी शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए। देखना सब काम शादी के लिए करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्यों घर में भोग आ जाए, घर बढ़िया बन जाए? कृष्ण ने देखा मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण बोले मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना, मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। क्या कृष्ण एग्जाम्पल दिया, देखो क्या कृष्ण कमाल की एग्जाम्पल देते हैं। बोले मैया मोरी मैंने ही मां कन खायो सुन, मैया मोरी मैंने मां कन खायो सुन, मैया मैया मोरी मैंने मां
सूरदास का भजन आप सब जानते हो। देखो कृष्ण क्या उदाहरण दिए, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खाई, बोले प्रमाण किया, बोले भोर भयो गई अन्न को पाचे मधुबन मय पटायो, और चार प्रहर मधुबन भट्ट को सांझ पड़ घर आयो। दिन भर गया चराया, शाम को घर में आया। अब बताओ रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं? हाँ, बोले दिन भर गया चराया, रात को तेरे सार रात भर तेरे गोद में सोया, फिर मखन कैसे मैंने खाया? कहते मैं बालक बही अन्य को छोटो काही विधि छिकी हाथ पायो, कहते मखन तो छिके के ऊपर रखते हैं, मैं इतने छोटा सा बालक 3 साल का, बोले बताओ मैया मेरे हाथ कैसे ऊपर में गया मखन चोरी की? बोली जो सखा लोग बोलते हैं तू क्या मखन खाते हो? बोले मैया ये सखा लोग है ना, ये खुद तो मखन खाते हैं, कहते बरबस मुँह लपटाए वो जोर जबरदस्ती मेरे मुँह में लगा देते हैं और मेरे को चोर बना देते हैं, इसलिए तू इनकी बातन में जल्दी जल्दी आती हो आ जाती हो, लगता है मेरे को किसी ने जन्म देकर जंगल में कोई फेंक दिया था और तुमने वहां से उठा करके लाई और मेरे को तू पालन कर रही हो, क्योंकि दुनिया मेरे को मखन चोर, तू भी माँ होकर के मेरे को मखन चोर करते हो, लगता है मैं तेरे बालक है ही नहीं। इतना जब कृष्ण बोले फिर तो मैया को रहा नहीं गया, फिर मैया ने कृष्ण को गोद में भर लेते, बोले लाला तुमने मखन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो सूरदास ने क्या पद बनाया, एक शब्द में मैं नहीं और मैंने ही, मैया ने मैंने मखन खाया मैंने। इसलिए ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं, हमारे संत लोग बड़ी सुंदर एक उदाहरण देते हैं, ये ठाकुर जी ये मखन चोरी क्यों करते हैं? बड़े सुंदर उदाहरण दिया है, इसका नाम है मखना। मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं? बोले जिसकी हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं। बोले किसकी हृदय में ये काम क्रोध नहीं है? बोले संत का हृदय। कितना संत हृदय नवनीत समाना, ये संतों का हृदय ही मखन जैसे हैं, इसलिए संतों का हृदय को चोरी करते हैं। बोले संतों में सर्वश्रेष्ठ संत कौन है? ये ब्रजवासी है, ये ब्रज गोपियां है। उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव है, कहते उद्धव जैसे भक्त जगत में कोई नहीं। कृष्ण जिसके लिए खुद कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है, कहते ना तथा मैं प्रियतमा आत्म जोनी न शंकर। कृष्ण खुद कहते हैं, कहते मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्यारा नहीं तू जितने प्यारा है, शंकर जी मेरे हरिहर एकात्मा है ये शंकर भी इतने प्यारी नहीं, कहते मेरे अंकसानी लक्ष्मी इतने प्यारी नहीं, इनकी बात छोड़ दो मेरे अभिन्न बलदेव प्रभु इतना प्यारा नहीं, बोले इनकी बात छोड़ दो मेरे आत्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं है, उद्धव तू मेरे जितने प्रिय। लेकिन ये उद्धव क्या प्रार्थना करते हैं, गोपियों की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, इतने श्रेष्ठ गोपियां ये ब्रज गोपी, इसलिए गोपी मतलब क्या, गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करते हैं ब्रज गोपी है, इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी नहीं, ये भक्तों का हृदय को गोपियों के हृदय को चोरी करने के लिए जाते हैं। इसलिए इसका एक तात्पर्य बताया, आप लोग कोई मखन बनाए हो? कौन कौन माताएं मखन बनाती है हाथ उठाओ, तो कौन कौन मखन बनाए हाथ उठाओ, कौन कौन मखन बनाए हो? हाँ देखो ये मखन कैसे बनता है और ठाकुर जी मखन क्यों चोरी करते हैं। कहते ये जो मखन, पहले दूध लाओ, दूध को गर्म करो। गर्म करना मतलब क्या है, जब किसकी हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागी, हमें ठाकुर कैसे मिलेंगे, हमें ठाकुर कैसे मिलेंगे, ये हो गया दूध गर्म है। जब उसके हृदय में ये उत्कंठा जगती है, फिर जैसे दूध गर्म कर दिया, फिर उसमें जमन डाल दिया है ना, फिर जमन थोड़ी सी होनी नहीं तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा, ये जमन किया है। बल जिसके हृदय में जब भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगती है, फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। बोले ये सदगुरु से जो हम मंत्र ग्रहण करते हैं, कहते ये इसमें जमन है, इसलिए कहते भैया जब तक हम जीवन में सदगुरु ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए कहते ना बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। बोले ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में कोई सदगुरु ग्रहण नहीं करता है
कहते भैया उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती है, उसको जीवन में कहीं ना कहीं उसको सदगुरु ग्रहण करनी चाहिए। भगवान राम तो भगवान है लेकिन उन्होंने वशिष्ठ को गुरु बनाया, कृष्ण भगवान है उन्हें गर्गाचार्य उनको गुरु बनाए हैं। कहते भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान उन्हें ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाते हैं उन्होंने, इसलिए जीवन में गुरु जरूरत है। अभी देखो एक समय किसी घर में कोई एक वक्ता था, भगवान की कथा सुना रहा था। कथा सुनाते सुनाते उसने बोले देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन उसके घर में एक तोते में एक उस घर में पिंजरा के अंदर में एक तोता रहता था। वो तोता चिल्ला पड़ा, बोले बाबा क्यों ये सब झूठ मूठ का बात करते हो, जो भगवान का नाम लेते हैं भवसागर से पार हो जाते। बोले और क्या, बोले तू मेरे को देख ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई आए इसको राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ दिन भर, अभी तो कोई ये छोटा सा पिंजरा से उधार नहीं हुआ, अब तू भवसागर की बात करते हो। वो तो चुप हो गया। अभी अपना मंदिर में आकर के अपना गुरुजी को ये बात बताया, गुरुजी ये तोता ऐसे ऐसे बोला, बोले बेटा कल चल तेरे साथ में मैं चलता हूँ, बोले जा तू कथा कर। फिर जा करके एक ही बात, जो भगवान का नाम लेते हैं भवसागर से पार हो जाता है। इतने में फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा ये दो बार क्यों झूठ मूठ का बात बोलते हो। तो गुरु जी वहां पर खड़े थे, बोले ये झूठ क्या है सही है, बोले आप मेरे को ही देख लो, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, माली को दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, लेकिन इससे ही मेरे को मुक्ति नहीं मिली, तुम तो भवसागर की बात करते हो। तो गुरु जी ने कहा देख बेटा तू जो नाम ले रहे ना, लेकिन किसी सदगुरु से तुमने नहीं लिया है, इसलिए ये नाम तेरे को मुक्ति नहीं देती है। बोले आप ही मेरे को मंत्र दे दो। तो गुरु जी उसको कान में भगवान का नाम दिया। बोले देख बेटा ये काम करना पड़ेगा। बोले क्या, बोले जब ये कथा विश्राम हो जाए तुम एक नाटक करना मरने का, जब मरने का नाटक करके फिर यहाँ से निकालेंगे, जब निकालेंगे ना फिर फर उड़ जाना। बोले वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिया। जब कथा विश्राम हो गई इतने में वो तोता ने बहाना बनाया मरने का, लेकिन मरा नहीं वो जिंदा मरने का। इतने में बोले भैया ये तोता कथा सुनते सुनते अपना शरीर छोड़ दिया, कितने सौभाग्यवान, चलो इसको अर्थी निकालते हैं। तोते को निकाले, अर्थी सजाया, गले में बड़े सुंदर फूलों की माला दे करके जब राम नाम सत्य करते ले जा रहे थे ना, इतने में तोता तो फर डूब गया। इतने में गुरु जी ने कहा देख बेटा ये बताओ गुरु जी से मंत्र लेने से उधार होता है कि नहीं। बोले हाँ गुरु जी से मंत्र लेने से उधार होता है। हाँ देखो एक चीज अच्छे तरह से समझो, अब ये प्रश्न है शास्त्र में ये भगवान का नाम है, हमारे पुराण में तो भगवान का राम कृष्ण का नाम तो शास्त्र में, कहते फिर ये गुरु जी किसे लेने का जरूरत क्या। अच्छे तरह से चीज को समझो, ये हमारे एक जीव गोस्वामी बहुत बड़े संत हुए वो बढ़िया एग्जाम्पल दिए है। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष का फल को अगर आप डायरेक्ट ले करके बीज बोगन वो पेड़ नहीं होगा। ऐसे कुछ पेड़ है जो डायरेक्ट अगर बीज से ले पेड़ से लेकर के आप बीज बोगे देखना वो पेड़ नहीं होगा। आप देखो किसी वो वृक्ष देखोगे, किसी छत के ऊपर देखोगे, किसी पेड़ के ऊपर में देखोगे वृक्ष, लेकिन वो वृक्षों को नीचे वो पेड़ नहीं देखोगे। कौन बोलना चाह रहा था बताओ, जोर से बोलो क्या बोल रहे हो। अरे आवाज नहीं आ रही, कौन सा पेड़ बोल रहे हैं? हाँ इनके लिए ताली बजाओ। कभी ये बरगद पेड़ देखना, पीपल का पेड़ देखना, ये पीपल पेड़ बरगद को पेड़ के नीचे कभी भी ये पेड़ नहीं देखोगे, वो देखोगे किसी छत के ऊपर देखोगे, न किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, ये यहाँ पर देखोगे उसको नीचे नहीं देखोगे। क्यों बोले, कारण बताए, नियम है उसकी, जब वो बीज को कोई चिड़िया खाए वो चिड़िया के पेट में जाए, जो पेट में जाने पर उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, आप देखना है कि पेड़ बनने के लिए मिट्टी की जरूरत है, पानी की जरूरत, हवा की जरूरत है, तभी जाकर कोई पेड़ होगा। आप देखना कि पीपल बरगद का पेड़ किसी छत को पड़े जहाँ पर पानी फानी कुछ नहीं, मिट्टी नहीं, वो अपने आप पेड़। और आप देखे होंगे इतने जोर जबरदस्ती पेड़ होता है, कभी कभी उसको तोड़ दो दो बार हो जाता है, फिर पूरा दीवार को फाड़ देता है, आप देखे होंगे, देखे कि नहीं। बोले कारण क्या, बोले कारण है जब वो बीज वो चिड़िया के पेट में जाकर इतने बलवान
बनता है वो निरस स्थान में भी वो सरसता प्राप्त कर देता है। फिर उसी तरह की जो मंत्र जब किसी संतों के हृदय में जाए, ये संत के हृदय में जाने पर क्या होता है, वो संत उसको जप करते हैं मंत्र को, मंत्र को जप करते 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 वो जो मंत्र एक दिन साक्षात भगवत रूप धारण करता है। धारण करने पर जब वो संतों से मंत्र ग्रहण करते हैं फिर वो हमारे हृदय निरस होने पर भी वहां भी सरसता प्रदान कर देता है। वाल्मीकि पहले दशरथ ना करता, वो डाकू था। नारद जी के जो ऋषि बड़े बड़े हुए ना, एक गाय था जो जानवर को आधा मारा करके रखता था, वो छटपट करने पर उसको आनंद होता था। लेकिन जब नारद जी कृपा हुई उनको बोले बोलो राम, राम भी मुंह से नहीं निकला, राम भी नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारा मारो, मरा मरा तो कर सकते हो। उन्हें नारद से मंत्र लेकर के दस्यु रत्नाकर जैसे वाल्मीकि बन गए। और भगवान आने से पहले उन्होंने रामायण ग्रंथ लिखे लिए। इसलिए शास्त्र कहता है जो मंत्र है किसी सदगुरु से लेनी चाहिए, और जो सदगुरु है कोई वैष्णव संप्रदाय हो जैसे तैसे जगह से नहीं। ये पद्म पुराण कहता है संप्रदाय विहीना जे मंत्रा स्ते है विफला मता, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वर संप्रदाय। ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय होगा, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय। उसमें चार आचार्य होंगे, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी और निंबार्क। ये चार वैष्णव संप्रदाय भगवान खुद कहते हैं ये डायरेक्ट मंत्र ये मेरे से प्राप्त करेंगे। इनकी गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं संत, जब इनसे मंत्र धारण करेंगे भगवान का, तभी वो मंत्र फलीभूत होगा, वो मंत्र मेरे पास में ले जाएगा। क्यों? ये मंत्र मेरे से ही आएगा है। इसलिए नियम है हमें किसी वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के हमें भगवत मंत्र को ग्रहण करने से एक दिन जरूर हम ठाकुर जी के पास में पहुंच सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री मखन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। देखिए अभी आप कथा सुन रहे थे ना, गोपियां भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करती है लेकिन भगवान कोई ना कोई बहाना बना करके कोई ना कोई उपाय के माध्यम से गोपियों के हाथ नहीं आते हैं। गोपी अपना मन का भाव प्रकट कर रही है, हरि कान्हा मेरे हाथों से निकल गए हो निकल गए, मैं पकड़ने लगी फिसल गए हो रे, कान्हा मेरे हाथों से निकल गए हो रे, निकल गए हो रे, मैं पकड़ने लगी फिसल गए हो रे, कान्हा मेरे हाथों से निकल गए हो रे, निकल गए हो रे, मैं पकड़ने लगी फिसल गए हो रे।
देखो हम लोग ये भागवत कथा 7 दिन तक हम श्रवण करेंगे। कितना दिन श्रवण करेंगे? कितना दिन? 7 दिन। नियम है कथा से, कथा से जरूर कुछ ले करके जाना। ऐसे नहीं कथा सुने कथा भी खत्म हम भी खत्म, नहीं, कथा से कुछ ना कुछ ले करके हमें जानी चाहिए, तभी कथा सुनने का सार्थकता, ठीक है ना। देखो हम लोग संत हैं, हम चाहते हैं, हम हमारी कथा की यही उद्देश्य है, जगत में हमारी सनातन धर्म हिंदू धर्म सर्वत्र प्रचार हो, हैं? जगत में हमारी धर्म, आपको पता होगा हर साल कम से कम 10 लाख हिंदुओं को ये जोर जबरदस्त मुसलमान बनाया जा रहा है, 10 लाख हिंदुओं को ये क्रिश्चियन लोग पैसा की लोग दिखा करके उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं भैया हमारी सनातन धर्म भी जगत में प्रचार हो, ऐसे नहीं थोड़ी मोटी पैसा की लोग से अपना धर्म कर्म छोड़ करके हम दूसरे धर्म को ग्रहण कर ली, ये हमारी धर्म नहीं है। बड़े भाग्य से हम लोग ये सनातन धर्म में जन्म हुए। आप भागवत पढ़ करके देखो एकादश स्कंद में ये देवता लोग भी भारत में हिंदू घर में जन्म लेना चाहते। एकादश स्कंद में ये बात बताए, बोले एकादश स्कंद बात बताए, यहाँ तक भी कहते हैं सत्य त्रेत्य द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में सनातन धर्म में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हमारी धर्म सर्वत्र, सनातन धर्म जगत में सर्वत्र प्रचार हो। लेकिन प्रचार कब होगा? जब हम प्रचार करेंगे तब तो प्रचार होगा ना, जब प्रचार करेंगे तो प्रचार होगा ना, अगर प्रचार नहीं करेंगे प्रचार कैसे होगा? इसलिए क्या करनी चाहिए? सब माताओं को, माताएं मत समझो हम कुछ नहीं नहीं हैं, इसलिए अनस्वया हुई है, सावित्री हुई है, कितने बड़े बड़े संत मीराबाई हुई है, ये सब भगवान की भक्ति करती थी कि नहीं? भगवान की भक्ति करती थी। इसलिए कोई बढ़िया चीज हो ना, जब हम खाते हैं दूसरों को बोलते भैया खाया करो, इसलिए आप भी भगवान की भक्ति करो और दूसरों को भी भगवान के भजन में दूसरों को लगाओ। इसलिए हमारी जो गुरु जी की, जो गुरु जी जिसने संपूर्ण पृथ्वी भारत नहीं ये अंग्रेजी लोगों को जो भगवान की भक्ति में लगाए, ये बहुत बड़ी एक बात कहते हैं। वो कहते हैं जो माया में जो भूले भटकते जो जीव है, अगर किसी तरह से उनको समझा बुझा करके एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दो, एक व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भजन में लगा दो, कितने पुण्य मिलेगा। वो कहते हैं करोड़ों करोड़ों स्कूल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों कॉलेज कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र कोई खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को अगर किसने किसी तरह से भगवान की भक्ति में लगा देते हैं ना, उनसे अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगा। इतनी बड़ी बात है, अगर किसी को भक्ति में लगा दोगे, देखो भक्ति में लगाने का कितने पुण्य है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। देखो मैं जितने कथा सुनाता हूँ इसको अच्छे तरह से याद रखना। हम चाहते हैं जगत में हमारी धर्म प्रचार हो, ठीक है ना। आज जानते हो ये यहाँ पर कथा कैसे हो रही है, भक्ति कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे प्रभु जी बैठे हुए। आपका नाम क्या है? बोलो क्या नाम आपका, क्या नाम? आनंद लाल। इनका बेटा कभी वृंदावन में आए और इन्हें कभी हमारे मंदिर में आए, कभी उन्होंने संत भी बने थे। इन्होंने मंदिर में रहे, भक्ति की सब शिक्षा की, शिक्षा करके जब उन्होंने फिर अपना घर में आए, उसने ही हमारे जो मनोज है इनको भगवान के बारे में समझाया, भक्ति के बारे में बताया। यहाँ पर भी ये भी गए थे, ये जो भैया जो बैठे हुए ये भी गए थे। इन लोगों ने ये भक्ति की कथा सुने और भजन की कथा सुने और उसने कुछ दिन मंदिर में रहा, भक्ति के बारे में समझा, फिर जब इधर आया फिर कोशिश किया घर घर में जा करके, और इनका मित्र था, इनका एक मित्र है, इन्होंने कोशिश किया जे भैया यहाँ भी हमारी सनातन धर्म प्रचार हो, हिंदू धर्म प्रचार हो। इसलिए फिर इन्होंने मेरे को इन्होंने बुलाए, बोले हमारे महाराज को बुलाएंगे, यहाँ पर भगवान की कथा हो, सब लोग प्रभु के भजन में लगे। देखो भक्ति में कितने शक्ति और किसको भजन में लगाने का कितना पुण्य, अच्छे तरह से समझो। एक स्टोरी सुनाता हूँ, बोले एक समय एक पिता और एक बेटा गए थे मेला देखने के लिए। बेटा था बहुत छोटा, अभी वो बेटा पिताजी का हाथ पकड़ करके रखा, वो मेला में घुमा रहे हैं, कोई सर्कस है, कहीं थिएटर, कोई नाटक हो रहा है। वो बच्चा पिताजी का अंगुल पकड़ करके बड़ा आनंद में देख रहा था मेला। देखते देखते हठात कैसे किया हुआ,
पिताजी के हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गया। अलग हो गया तो थोड़ी देर बाद में देखे बेटा अलग पिता अलग, वो वहां बड़ी टहल चहल था। पिताजी तो पागल होकर के अपना बेटे को ढूंढ रहे हैं, बच्चा भी पागल होकर मेरे पापा जी ढूंढ रहा है, पिता भी ढूंढ रहा है, सबको पूछ रहा है मेरे बेटे को ही देखो, मेरे बेटे को ही देखो। इतने में जो बच्चे को जो रोते हुए मेले में देखा लोगों ने, वो समझ गए कि किसकी छोटा बच्चा पिताजी के हाथ से इसका हाथ अलग हो गया। इतने में उसको कोई चॉकलेट दे रहा है, थोड़ी समय के लिए खुश, फिर रोना लग सोच करता है। किसी ने कोई खिलौना दिया, थोड़ी समय के लिए खुश, फिर दुखी, फिर रोने लगता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा जब तक उसको पिताजी को ढूंढ करके नहीं ला दे ना, भले ही उसको जो कुछ दे दे ये बच्चा खुश होने वाले नहीं, उसको पिताजी को ढूंढ कहाँ है। अभी उसने ढूंढ रहे थे मेला में, देखते देखते थोड़ी दूर गया, देखा एक व्यक्ति तो पागल होकर सबसे पूछ रहा है मेरे छोटा बेटा कहीं मेला में खो गया, तुम लोग कहीं देखे हो। बोले हाँ हमने देखा हुआ है कि छोटा बच्चा बड़ी दुखी होकर के रो रहा है पापा पापा बोलकर। बोले कहाँ? बोले ले आओ। बोले आपके बेटा? बोले हाँ। बेटे को बोले तेरे पिता? बोले हाँ पिता। बस जब पिताजी का हाथ पकड़ा तो खुश, अब इसको खिलौना देने का जरूरत नहीं, किसी को मिठाई देने का भी जरूरत नहीं, खुश हो गया। देखो ये संसार भी ऐसे के मेला है। कहते मेला में बच्चा कब तक आनंद ले रहा था? बोले तब तक ले रहा था जब तक पिताजी का अंगुल पकड़ करके रखा था। लेकिन ये वही मेला है, लेकिन जब पिताजी की अंगुल हट गया हाथ से, वही मेला में वो मेला अभी उसको आनंद नहीं दे रहा है, वो मेला में अभी ये रो रहा है, ये बच्चा भी रो रहा है। ठीक उसी तरह हम भी ये संसार के मेला में रो रहे हैं क्योंकि पिताजी के हाथ से हमारी हाथ छूट गया है। लेकिन जैसे उसी बच्चे को कोई खिलौना दे रहा था, वो भी उसको मेरे दया थी, खिलौना दे रहा था, थोड़ी समय के लिए सुखी फिर रोने लग गया। कोई उसको मिठाई भी दे रहा था, लेकिन थोड़ी समय के लिए खुश फिर रोने लग गया। कोई उसको चॉकलेट दे रहा था, सुखी फिर दुखी। लेकिन उसको ऊपर में सबसे ज्यादा दया किसकी हुई है? बोलो। वो बच्चे के ऊपर में सबसे दया, ज्यादा दया उसको ऊपर किसने की है? आप लोग बोलो किसने दया की? जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके बच्चे को हाथ पकड़वा दिया, उसने दया की ना। फिर पिताजी का हाथ पकड़ लिया तो सब मिल गया उसको। तो उसी तरह संसार में भी हमें कोई कपड़ा भी दे रहा है, हमें कोई खाना भी देता है, हमें कोई पहनने के लिए भी देता है, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन तभी संसार में हम दुखी दुखी, तभी दुख नहीं जा रहे। क्यों? असली पिताजी से हम खोए हुए हैं। लेकिन वो असली पिता, असली दया किसने किया? जिसने पिताजी को ढूंढ कर बेटे को हाथ में पकड़वा दिया। कहते तो उसी तरह जगत में जद्य भी सबके सब दया कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये जीव जो परम पिता जो भगवान है, जब तक उनको साथ में तुम नहीं मिलोगे ना भैया, ये दुनिया में दुखी दुखी होते रहोगे। लेकिन जिसने हमें भगवान को साथ में मिला दे, समझना ये सबसे बड़े दया उसने हमारी ऊपर की। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपदूतु कौन्तेय पुनर्जन्म न पितेत। हे अर्जुन, जब तक ये जीव मेरे पास में नहीं आता है, अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चले जाए, खिन्न पुण्यम मर्त्यलोकम विसरन्ति, पुण्य खत्म होते ही फिर यही ना, यही दुख कष्ट भोग कर दे। लेकिन जब जीव मेरे को प्राप्त करता है, ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए खत्म। और यही मानव जन्म ऐसे के जन्म है जिस जीवन में हम भगवान की भक्ति करके अपना असली घर में हम पहुंच सकते हैं, सारे दुख कष्ट को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप लोग क्या करना, कथा भी सुनो, दूसरों को भी प्रेरणा दो, दूसरों को भी प्रभु का भजन के बारे में दूसरों को भी समझाओ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी यही था, एक दिन ऐसा आएगा सारा दुनिया में क्या होगा, सारा दुनिया में भगवान की भक्ति सारा दुनिया में प्रचार होगा। प्रचार कब होगा? जब हम प्रचार करेंगे तभी तो होगा ना। मैं अकेला कितना कर सकता हूँ? आप लोगों को प्रेरणा दे सकता हूँ, उत्साह दे सकता हूँ, लेकिन मैं कितना कर सकता हूँ? अगर आप लोग सब मिल जाओगे तो कितना होगा? सारा दुनिया में भगवान की कथा प्रचार हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको एक छोटी सी और एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी को याद करना, इसमें इतनी शिक्षा है
ये कथा अगर आप किसी को भी सुना दोगे ना, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सचमुच से उसको पता लगेगा जीवन क्या है, हम कर रहे हैं क्या और हमें क्या करनी चाहिए। अच्छे तरह से आप ध्यान देकर सुनना, ये कथा सुनाने का बाद समझो ये जो 7 दिन की कथा हम लोगों करेंगे ना, ये कथा की यही सार समझो, ये स्टोरी के माध्यम में समझो। ये स्टोरी सुनाने के बाद मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, जब नहीं बोल पाएगा बीच में खड़ी कर दूंगा उसको। इसलिए ऐसे सुनना, ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे को जैसे सुना सकते हो, ठीक है? एक मन से सुना सबके सब, मैं पूछूंगा सबको कौन सुना नहीं सुना, एकदम अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। हम चाहते हैं कि कथा को आप जिसको सुनाओगे उसका हृदय भी प्रभु की भक्ति में लग जाएगा, इसलिए हम इतने जोर देकर के बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देकर सुनना। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? जोर से बोलो, 4। जो उसकी सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। जिस समय में जो कुछ मांगे, भले ही उसको कुछ क्यों करना नहीं पड़ जाए, वो ला लाकर उसको देता था, उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी सुंदरी थी। सब व्यक्ति चाहते ना मेरी पत्नी सुंदरी हो, हर व्यक्ति चाहते हैं। इसलिए वो क्या करता था, राजा अपना रानी को सिंहासन में बैठा करके, अपना रथ में बैठा करके जो बाहर घूमने जाता था, बड़ी सुंदर अलंकार पहना करके उसको सजा देता था और जब जाता था दुनिया को दिखाता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदरी है। अब राजा की जो चौथी तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी। हर व्यक्ति चाहते हैं पत्नी मेरी मीठी मीठी बोली बोले, हैं अच्छी अच्छी बात सुना जिससे मन को शांति मिले, हैं? इसलिए नियम यही है, माताएं ध्यान रखो, ऐसे नहीं पति घर में आते ही घर का जितना झगड़ा सुनाना शुरू कर दो, सास को साम से ऐसे हुआ, बहू को साथ ऐसी हुई, उसको साथ नहीं। पति जब घर में आता है काम करके, वो चाहता है घर में जाने पर सुकून मिले, पत्नी इतने मीठे मीठे बोली बोले जैसे शांति मिले, नहीं घर का सारा लड़ाई झगड़ा आते ही शुरू कर दे, हैं? इसलिए वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी। इसलिए राजा जब घर में आते थे उसको साथ में बैठते थे और उसको मीठा मीठा बोली सुनकर खूब खुश होते थे, लेकिन मन की बात किसको नहीं बोलते थे, वो मन की बात केवल उसने तीसरी नंबर रानी को सुनाते थे। राजे की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन जब से उसने घर में शादी करके लाए ना, उसको साथ में राजा कोई भी मतलब नहीं रखे, कभी भी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, तुम्हारे पास में क्रीम लिपस्टिक है कि नहीं, कभी उसको नहीं पूछता था। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, भले ही मेरे को शादी करके लाया कभी मेरी तरफ देखता भी नहीं। अभी राजा का मरने का समय आया, अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, सोचा मेरे 4 रानियां इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक साथ देती है। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी के नंबर आए, अब बताओ तो बड़ी रानी कौन थी? इतना जल्दी भूल गए फिर अब कथा को याद क्या रखे हो? अरे अभी अभी सुनाया, इतना जल्दी कैसे भूल गए? सबसे बड़ी रानी कौन थी बोलो, जोर से बोलो। हाँ, राजा जिसको जीवन में देखो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जैसे कथा की याद हो जाए। इसलिए राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था, पहला नंबर उसकी अगली रानी, तू साथ में चलोगी? बोले मैं एक कदम भी तेरे साथ में नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तू जो मांगती थी वही लाकर देता था, मेरे को चोरी बदमाश क्यों करना नहीं पड़े? तेरी मन पसंद चीज को दिया, अंतिम समय में कहती हो एक कदम भी नहीं चलोगी, हैं? बोले चलोगी नहीं? बोले नहीं। बोले तेरे लिए मैं जो इतना किया, बोले तेरी कर्तव्य था, बोले तेरी मेरी कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला। अभी उसने दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी? बोले जोर से माताएं कोई जो बोलने लगी, जो बहुत सुंदर थी। राजा जिसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा अलंकार पहना करके रथ में बैठा लेते थे, दुनिया को दिखाया करते थे। बोले रानी तू क्या करोगे, चलोगी? रानी कहती मेरे को देख रही तू कब मरोगे, अब मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले तू पहले मेरे को दुनिया को दिखा करके रखा मैं कितने सुंदरी, इसलिए जहां जाऊं वो मेरे को पसंद कर लेगा, इसलिए मैं दूसरे को शादी कर लूंगी। राजा तो सुन करके तैयार नीचे जमीन खिसक गया। बोले ये क्या कहती है, वो देख रही है मैं कब मरूंगी, दूसरे से शादी करेगी? अभी राजा को ज्यादा दुख मिला। अभी तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? हाँ,
जब मीठा मीठा बोली बोलती थी। राजा जिसको बोली सुन सुन कर खुश होता था, मन की बात जिसको बोलता था, बोले रानी तू क्या करोगी, साथ में चलोगी, वो थोड़ी सी निकली अच्छी, बोले चलूंगी लेकिन एक दरवाजा पर चलूंगी, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चलूंगी। राजा बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है, इसलिए तू भी भैया किसी काम की नहीं। अभी चौथी नंबर की नंबर आई, राजा सोच रहे इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों, जिसके लिए करोगे उसको तो पूछोगे, जिसके लिए करोगे ना उसको क्या पूछोगे, बोले जिंदगी भर तो इसके लिए पूछो, क्या जी इसको पूछू कि नहीं पूछू। सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख ही लेता हूँ, बोले रानी तू क्या करोगी चलोगी। रानी बोली तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, तू जब से शादी करके मेरे के लाए हो कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल क्रीम है कि नहीं, पूछा कभी, जिंदगी भर तो मेरे तरफ में देखा भी नहीं, अब मरते समय मेरे को पूछ रहे हो। बोले देख राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन दुख की बात यह है तुमने कभी जिंदगी में मेरे तरफ झांक कर नहीं देखा, लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, जो तुमने कुछ किया लेकिन तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी बनूंगी, दुख में दुखी बनूंगी, बिना खाने खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, भैया जिनके लिए जिंदगी क्या कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए किया नहीं वही जाने के लिए तैयार है। देखो ये जो कथा है ना ये और किसी कथा नहीं है, हमारे जीवन की कथा है। आप लोग कोशिश करना इसको समझने के लिए, और इसका जो शिक्षा है अगर अपना जीवन में उतार दिया ना, समझ आज से आपका जीवन बदल जाएगी, आपका काया बदल जाएगी आज से, अच्छे तरह से समझ लो। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी हम जीवन में जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर जिसको खुश कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा उसको जब पूछेंगे साथ में चलने के लिए, लेकिन वो एक कदम भी हमारे साथ में चलने वाले नहीं, तो वो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? आप लोग बताओ तो किसको ज्यादा प्रेम करते हो, बोलो किसको ज्यादा प्रेम करते हो, आपको पता नहीं किसको ज्यादा प्रेम करते हो, बोलो कौन बोलेगा किसको ज्यादा प्रेम करते हो, बोलो कोई तो एक बोलो, अब भैया बोलो किसको ज्यादा प्रेम करते हो, हैं? आप तो जोर से बोलो ना, ये भैया जानते हैं, ये भैया लगता है ये सत्संग सुनते हैं, सारे प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। आप बताओ भैया तो सही बात बता दी, आप लोग बताओ किसको ज्यादा प्रेम करते हो, किसको ज्यादा प्रेम करते हो बताओ, लोग कौन बोलेगा, बोलो कौन बोलेगा किसको ज्यादा, आपको पता नहीं किसको ज्यादा प्रेम करते हो। देखो जगत में हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर को सबसे ज्यादा हम प्रेम कर रहे हैं। जैसे राजा क्या करता था, वो जिस समय जो चीज की मांग करती थी उसको पूरी करता था। ये शरीर अगर बोलेगा भैया चलो जिम जाना चाहते, बोले जिम ले चले, बोले गोल गप्पे खाऊंगा बोले खल खिलाएंगे, बोले चवनप्राश खाऊंगा बोले खिलाएंगे, बोले ऐसे कपड़ा पहनाना चाहते चलो तेरे को कपड़ा पहनाए। देखना ये शरीर जिस समय हमें जिस चीज की मांग करती है उसके लिए हम क्या नहीं करते, शरीर के लिए सब कुछ जीवन में ये शरीर के लिए करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय में इसको पूछो साथ में चलने के लिए, बताओ ये शरीर साथ चलता है? कितना जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये शरीर साथ नहीं चलती, वो यहीं के यहीं रह जाती है। अभी दूसरी नंबर आई जिससे सबसे जो सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था, जो कहती है चलूंगी लेकिन हैं कि तू मरने पर दूसरे से शादी करूंगी, कहती ये कौन है जो सबसे सुंदरी, कितना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी है। पैसा रहेगा तब तक खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, यहाँ तक भी जो मरता है ना उस समय भी बढ़िया गाड़ी हो चढ़ कर जाएंगे दिखाने के लिए, देखो मेरे पास में कितने बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर बनाएंगे, पैसा का कमाल दुनिया को दिखाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, हैं? लेकिन उससे पूछा साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहे हो तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है, ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों का नजर कहाँ रहती है, पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, एटीएम कार में बैंक बैलेंस कितना, बच्चों का नजर वही रहता है। मैंने तो अपना गांव में देखा ही घटना, एक पिताजी बड़े धनी धनी व्यक्ति थे, चार बच्चे थे,
पिताजी का शरीर छूटा ना, जिस बच्चे को काम मिला था डंडा लेकर के आ गया, बोले पिताजी के शरीर में कोई हाथ देगा तो सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी का कॉपी निकालो कितने पैसा किसको पास में किया है, क्योंकि मेरे को कम पैसा मिला है, सर फोड़ दूंगा। इसलिए ये पैसा जिसको इतने कष्ट कर कमाते हैं, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे किसी व्यक्ति को बोला थोड़ा हरिनाम कर, बोले नहीं बच्चे के लिए कुछ पैसा कमा करके जाओ ना, गुरु जी बोलते नहीं बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, किसकी बच्चा ज्यादा बिगड़ता है, जिसने ज्यादा पैसा रख करके बच्चे के लिए लिया वही शराबी कराबी जुआ रांडीबाजी सारे वही काम करता है। इसलिए गुरु जी कहते थे बेटा हो ना होगा तो कमाई लेगा, अगर नालायक बनेगा ना जितने पैसा तू कमा करके जा रहे हो सब फूंक करके उड़ा देगा हर पैसे को। इसलिए गुरु जी कहते थे ये धन कमाओ जो इसी जीवन में साथ और अगले जीवन में साथ देगा। गुरु जी कहते हरिनाम करो जो धन तुम्हारे साथ में जाने वाले। अभी दूसरी गई, अभी तीसरी नंबर आई, राजा जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, कहते ये परिवार वाले जिसको साथ में बैठ करके हम मन की बात हो। पहला नंबर पत्नी की आई, जिसको सात फेरा लगा करके शादी किया था, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी दरवाजा तक चलूंगी, बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ूंगी तेरे साथ नहीं जाऊंगी। परिवार वाले से बोले चलोगे, बोले क्यों नहीं बढ़िया आरती से जाएंगे, अरे राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ, बोले शमशान तक, वहीं पर जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस, बोले आगे, बोले आगे नहीं चल सकते, ये गए। अभी चौथी नंबर ध्यान देखने से, राजा जिसको जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया, उसको प्रति कभी नजर नहीं डाली, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आया ना जब उसको पूछा वही केवल जाने के लिए तैयारी हुआ है। कहते ये चौथी रानी कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, कहते भगवान की भक्ति है और भगवान का नाम है। किसी व्यक्ति को बोलो हरि नाम कर, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है हमारे पास में, टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, चुगली करने के लिए समय, स्मार्टफोन देखने के लिए समय, लेकिन जब बोलो भगवान की थोड़ा भजन करो, बोले समय कहाँ हमारे पास में। पहले एक दिन पहले सुन रहे थे ना, जब मातृ गर्भ में बच्चा आता है कसम खा करके आता है एक बार ये नरक से मेरे को निकालो, कभी भी ये झूठे संसार में मैं नहीं फंसूंगा, उड़ते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, यही कसम खा करके आए थे ठाकुर के पास में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, यही बोल करके आए थे। अंतिम समय में जब शरीर छूटेगा, हमारे भारतीय संस्कृति देखना जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही तो बोलते ना राम नाम सत्य है, यही बोलते ना गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है सब कोई बात झूठा, किसको सुनाते हैं, जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति को सुनाते हैं, बोले बेटा जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिए हो अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किए हो सब कोई बात झूठा है, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रहा है, सबके सब यही छोड़ करके जा रहे हो फिर साथ में क्या जाएगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन ये मीरा की भजन आप लोग सब गाते होंगे, इसलिए मीरा कहती है भैया जीवन में तुमको क्या मिला है, बोले जितने प्रभु राम का कृष्ण का नाम लिया वही मिला और जगत में सब ही खुवायो, जगत में सब गए, बोले ये धन मिली कहाँ से, बोले दी मरे सदगुरु कृपा करे
अपना यो सदगुरु से मिले। बोले ये धन कैसे हैं? बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बड़त सवार। ये धन का चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, लुटने वाले नहीं फुटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती है तो धन कभी घटती नहीं, ये ऐसे के धन है। इसलिए पहले मैंने आपको बताया था श्री चैतन्य महाप्रभु को जब भक्तों ने निमंत्रण दिया हमारे घर में भोजन, महाप्रभु क्या बोले? बोले सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। मैंने आज से 5.5 साल पहले उस समय लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख रुपया, 1 लाख मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो उसको घर में मैं भोजन करूंगा। अभी भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारी घर में 100 रुपया तक नहीं, आप कहते हो 1 लाख रुपया बात करते हो, हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते। पर भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। आप लोग अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? अमिताभ बच्चन का नाम कौन कौन सुने हो? अमिताभ बच्चन का नाम सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, देखे कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं? यहाँ पर भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति, अब एक बार देख लो। अब लखपति कैसे बनोगे? देखो ये माला है, हैं? इसमें अच्छे तरह से देख लो, यही भागवत का सार है। क्योंकि भागवत जब शुरुआत हुई ना वो ठाकुर का नाम से शुरुआत हुई, और जब भागवत विश्राम हुआ भगवान का नाम से, मतलब जो भागवत का जो सार है ना ठाकुर जी का नाम है। अगर कथा सुन करके जीवन में भगवान का नाम को जो सार बना दिया, समझना पूरी भागवत कथा अपने समझ गए, पूरी कथा समझ गई। अगर पूरी कथा में बैठे प्रभु का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुआ, समझो तुम आया और गया, कुछ तुमको मिलाएगा कुछ भी तुमको नहीं मिलाएगा। इसलिए आप देख लो लखपति कैसे बनोगे। जैसे इसमें 108 मोती हैं, हैं? इसी जब ये माला जब करते हैं ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, क्यों? ये अंगुल गंधा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता, तेरे को मैं देख लूंगा, बोलते ना हम तुमको देख लेंगे, इसलिए इसको बाहर निकालते हैं। ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखते हैं, रख करके जैसे हरे, आप लोग मेरे साथ में सबके सब बोलो, देखो आज एकादशी है, बहुत बढ़िया दिन है। अगर भागवत का बीच में अगर एकादशी आ गई ना, समझो उसमें 4 चांद लग गई है। इसलिए एकादशी का दिन कहते जो एक बार नाम करेगा उसको 100 बार नाम करने का फल मिलता है। ये भगवान का व्रत श्री एकादशी व्रत है, इसलिए भागवत में केवल ये एकादशी कथा आती है। जैसे ये माला है, अब लोग मेरे साथ साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्णा बोलो सबके सब, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कितने पुण्य है। जैसे एक बार तो नाम करते 100 बार तो मिला ही, लेकिन यहाँ पर कितने भक्त बैठे हुए, समझो 100-150 भक्त लोग बैठे हुए, सबके सब हरिनाम किया, इनकी आवाज भी आपको कान में पड़ा है, लेकिन माला तो एक किया हरिनाम, लेकिन 150 माला करने का फल मिला, 150। फिर आज तो एकादशी में एक बार नाम करने 100 बार फल मिलता है। बोले आज का जो हरिनाम है ना विशेष भक्त है ठाकुर का नाम, आज एकादशी ठाकुर का व्रत है। देखो एक लखपति कैसे बनोगे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हो गया 16 बार जब एक बार नाम लिया। इसमें 108 मोती है, एक बार बोल के ना एक मोती सरकता है, एक बार बोल के एक मोती सरकता है, जब यहाँ खत्म हो जाती है इसको हम पार नहीं करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का स्वरूप है, फिर घुमा करके इसको दूसरे तरफ से लेते हैं, है? दूसरे तरफ से करते हैं। अगर इसमें 108 मोती, अगर एक माला फिर दो माला, अगर हमने ऐसे 16 माला कर लिया वो हिसाब से होता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर लिया वो 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं बोले तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी, मैं नहीं, ये भगवान खुद कह देंगे। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी तुमको, जैसे फिक्स पैसा ब्याज कितना, इसलिए मीरा कहती हैं दीन दीन बढ़त सवाय,
आज अगर 1 लाख माला किया तो कल तुमको 1.25 लाख और 4 दिन में ना 2 लाख, 4 दिन में 2 लाख। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखेराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरियो कांगाल हुए। बोले लूटे कौन? बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। देखो तुलसीदास का नाम देखो, हनुमान जी का नाम देखो, मीराबाई का नाम देखो, जगत में अमर हो गए सबके सब, क्योंकि उन लोगों ने ये धन को लूटे, इसलिए जगत में इतने बड़े हो गए। लेकिन जिसने प्रभु का नाम से कोई मतलब नहीं रखा, केवल दुनिया की पैसा को लूटने में समय लगा दिया, कहते आखिर वो कांगाल हुए, मुट्ठी बांधी आया जगत में हाथ पसारे जाओगे। इसलिए जो असली धन है ठाकुर का नाम धन है। इसलिए आप लोग कोशिश करना हरि नाम को करने के लिए, ठीक है ना। सबके सब ठाकुर जी का नाम जप करना, सबरे नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर जी के लिए निकाला करो, ठीक है। थोड़ी समय ठाकुर जी के लिए निकाला करो, निकाल करके बैठ करके सबरे माला लेकर, जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे। हम तो ज्यादा माला नहीं ला पाए क्योंकि हम प्रचार करते करते आ रहे हैं। अगर जिसे थोड़ी बहुत माला है, जिसकी इच्छा होगी, हम भी प्रभु को माला लेकर के जप करना चाहते हैं। देखो हम 2 तरह से माला देते हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण प्याज लहसुन को छोड़ देता है, फिर हम उसको गले में तुलसी की कंठी देते हैं। अगर लेकिन जो बोलेगा अभी एक साथ में हम छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे कोशिश करेंगे छोड़ने के लिए, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं भजन करने के लिए। नीम माला तो सब प्रैक्टिस करो, हरिनाम करो, और धीरे धीरे आस्ते आस्ते कोशिश करो जैसे प्याज लहसुन छूट जाए। जब छूट जाती है फिर हम उसको गले में तुलसी की कंठी पर जप करने के लिए फिर तुलसी माला देते हैं। जिनकी इच्छा होगी हम भजन करेंगे, कथा के बाद में अगर आओगे एक माला दूंगा, उसको लेकर के आप भी भजन करो, और घर में बच्चों को भी भगवान की उनको भी भजन में लगाओ। जिस घर में बच्चे भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो घर नहीं वही घर ही भगवान का धाम बन जाता है। बच्चे अच्छे संस्कार बनते हैं। जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, देखना बच्चों को बोलो एक माला जप करे, उसको पढ़ाई में भी मन लगता है। इसलिए आप लोग माला लेकर भजन करना और भगवान की भक्ति करो, और जीवन में सुख और जीवन में शांति में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु आपको एक सुंदर कथा सुनाएंगे, कैसे ये फल विक्रियाणी खरीदो, कैसे फल बेचती थी, ठाकुर जी को फल दिया तो ठाकुर कैसे उसको झोली कैसे भर दिया ठाकुर ने। भगवान को फल खिलाने का कितने महत्व है। देखो ये जो बच्चा है ना, ये अंग्रेजी है, अब देख रहे हो कि अंग्रेजी है, लेकिन हमारे भारत में आकर भी उसने हिंदी सीखा है। लेकिन देखो तिलक लगाता है, गले में तुलसी कंठी है, और भगवान की भक्ति करता है। देखना ये कैसे हिंदी बोलता है, कोशिश करता है तो हिंदी बोलने के लिए, थोड़ी बहुत थोड़ी गड़बड़ी हो जाता है, लेकिन आप लोगों को उसको अगर कहीं भूल बोल दिया है ना, थोड़ी सी कोशिश करना उसको सुधारने के लिए कि हिंदी कैसे बोलती है, ठीक है। देखो ये लोग विदेश से, कभी वृंदावन में आओगे ना हमारा मंदिर में देखोगे कितने हजार हजार विदेशी गले में कंठी माला तिलक लगा करके, अब देख करके आश्चर्य हो जाओगे। हम हिंदू है, अगर हमें कोई गीता का श्लोक पूछो नहीं बोल पाएगी, वो पूरा के पूरा गीता की गीता रटे हुए, पूरा भागवत हम लोग को उल्टा सुनाते हैं। हम हिंदू, हमारी ये संस्कृति, वो आ करके ना हमारे देश में आ करके हम सोच नहीं सकते, ये हमें गीता उल्टा सुनाते हैं। वो क्रिश्चियन लोग हमें उल्टा गीता सुनाते हैं, और इतनी गीता प्रचार करते हैं हम सोच नहीं सकते, इतनी गीता प्रचार करते हैं। इसलिए हम आप लोगों को कोशिश करते जागृत करने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को फैलाओ जगत में, हमारे सनातन धर्म को फैलाओ, ठीक है। आप लोग देखना ये कैसे हिंदी बोलते हैं, बोलो। अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा सभी को हाथ उठा कर हरे हरे और एक बार जोर से हरे राम हरे राम 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 और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
अपने गुरुपाद पद में परम आराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त माता भाई प्रभु बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। जब कृष्ण ने ब्रज के अंदर माखन चोरी आरंभ करी और कृष्ण के सुंदर स्वरूप की चर्चा पूरे ब्रजमंडल में होने लगी, तब ब्रज से कुछ गोपियां दूध और दही लेकर मथुरा की ओर जाती थी। तो मथुरा में एक फल बेचने वाली थी। वो फल बेचने वाले ने भी जब कृष्ण के रूप की महिमा सुनी, कृष्ण कितने अद्भुत, कितने अपूर्व उनकी सुंदरता है, कहते हैं यन मर्त लीलो वैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। कृष्ण यद्यपि सच्चिदानंद स्वरूप है, गोलोक वृंदावन में उनका नित्य निवास है, लेकिन जब वो इस धराधाम पर आए तो यहाँ की नर्वत लीला मर्त लीला के अनुरूप उन्होंने जो स्वरूप धारण किया, उन्होंने जो सुंदर स्वरूप धारण किया वो कैसा था, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, कह रहे उसको देखकर लोग विस्मित हो जाते थे कि इतना सुंदर स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप देखा है ना हमारे बांके बिहारी कहते ना, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। कृष्ण का त्रिभंग ललित स्वरूप, कृष्ण ने पीताम्बर धारण कर रखा है, गले में वैजंती माला है, वक्षस्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि है और हाथों में मुरली, सिर पर मयूर पुच्छ, इतना सुंदर श्रृंगार देखकर भला कौन रह पाएगा। जब ये मथुरा की फल बेचने वाली ने कृष्ण का स्वरूप के बारे में चर्चा सुनी, वो भी बड़ी आकर्षित हो गई। उसने भी विचार किया कि मैं भी कृष्ण के दर्शन करने जाऊंगी, लेकिन फिर मन में सोचने लगी कि मैं तो छोटे जाति की, मैं तो फल बेचती हूँ, मुझ गरीब को क्या कृष्ण दर्शन देंगे, वो तो नंद नंदन है, नंद महाराज के एकलौते बेटा है, क्या वो मुझे दर्शन देंगे। फिर मन ही मन विचार करने लगी कि बच्चों को फल बड़े प्रिय होते हैं, मैं फल बेचती हूँ तो मैं सुंदर सुंदर फल लेकर जाऊंगी, कृष्ण को फल के लोभ से आकर्षित करके और उसे के दर्शन कर लूंगी। जब एक दिन वो फल बेचने की इच्छा से मथुरा से निकली है, जैसे ही नंद भवन के बाहर आई, वहां पर बाहर आके और चिल्लाने लगी है, फल ले लो, फल, आम ले लो, केला ले लो, जैसे फल बेचने वाले बुलाते हैं, वैसे ही नंद भवन के बाहर खड़ी होके और फल वाले की तरह याचना करने लगी। कृष्ण ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, कृष्ण आंगन में खेल रहे थे नंद भवन में अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन कृष्ण ने अपने सखाओं को भेज दिया, बोले जाओ तुम जाके फल खाओ। कृष्ण के सखा बाहर आए और फल बेचने वाली से फल मांगे, उसने फल दिए, कृष्ण के सखाओं ने फल खाए और वापस चले गए। कृष्ण ने प्रथम दिन उस फल बेचने वाली को दर्शन नहीं दिए, अभी वो दुखी हो गई, दुखी होकर पुनः मथुरा चली आई। दूसरे दिन फिर वापस कृष्ण की दर्शन की इच्छा से, फल ले लो, फल, आम कौन लेगा, चीकू ले लो, आम ले लो, इस तरह से वापस नंद भवन के बाहर आके और फल बेचना चालू कर दिया। दूसरे दिन भी कृष्ण ने क्या किया, अपने सखाओं को भेज दिया, स्वयं नहीं आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कृष्ण दूसरे दिन भी अपने सखाओं को भेज दिया, स्वयं नहीं आए। उस फल बेचने वाली ने दूसरे दिन भी कृष्ण के सखाओं को फल खिलाए और दुखी होकर पुनः चली गई। आज जब तीसरे दिन मथुरा से ब्रज के और नंद भवन की ओर आ रही है, तब मन में पूर्ण रूप से तय कर लिया, या तो आज कृष्ण दर्शन होंगे या फिर ये शरीर ही मैं त्याग दूंगी। और इस सद्भावना को लेकर, कृष्ण दर्शन की इतनी उत्कट लालसा को लेकर जब मन ही मन विचार कर रही है कृष्ण के स्वरूप का, तो आज फल बेचना भूल गई। आज क्या कह रही है, कृष्ण के सुंदर नामों का गान करते हुए, गोविंद ले लो गोविंद, दामोदर ले लो दामोदर, नंदलाल ले लो नंदलाल, फल बेचना भूल गई है, कृष्ण के नामों का ही कीर्तन करते करते आज नंद भवन के बाहर आकर उपस्थित हुई है। कृष्ण अभी सखाओं के साथ खेलते खेलते और जैसे ही इस फल बेचने वाले की आवाज उनके कानों में गई, विचार करने लगे कि आज मेरा भक्त तो बड़ा ही आतुर है, आज यदि मैंने उसको दर्शन नहीं दिया तो तय करके आया है कि प्राण ही त्याग देगा। अरे भक्त का भगवान से मिलन तो इसी उत्कंठा में ही होता है। जब भक्त के हृदय में ऐसी तीव्र इच्छा हो कि या तो कृष्ण मिले या ये शरीर नहीं रहे, जब ऐसी उत्कट लालसा होती है भक्त के हृदय में, तब जाकर भगवान दर्शन देते हैं। अभी कृष्ण जब नंद भवन में खेल रहे थे, भक्त को दर्शन देने के लिए बाहर आना चाहते हैं,
कुछ समय पहले पूतना अघासुर इत्यादि आए थे तो मैया ने कृष्ण का घर से बाहर जाना बंद कर रखा है। कृष्ण जैसे ही बाहर जाने की इच्छा कर रहे थे, पैरों में नूपुर पहन रखे हैं, नूपुर भी छम 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 करके बजने लगे। अभी कृष्ण मनी मन विचार कर रहे हैं, ये नूपुर की आवाज तो मैया के कानों में पड़ेगी, मैया समझ जाएगी कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। इसीलिए क्या किया, तारिके तुम क्यों मेरे बाधा बन रहे हो, अरे मैं अपने भक्त को दर्शन देना चाहता हूँ और तुम उसमें बाधा बन रहे हो। कृष्ण ने झट वो नूपुर उठाए और अपने घुटनों की तरफ ऊपर चढ़ा लिया, ऊपर चढ़ा लिया तो दब गए, दब गए तो अभी आवाज नहीं हो रही है। कृष्ण अभी ठुमक ठुमक के चलते जा रहे हैं। पहले के समय पर क्या होता था, फल यदि किसी से लो, किसी से कोई भी वस्तु लो तो उसके विनिमय में कुछ देना पड़ता था। कृष्ण ने अभी हाथों में धान ले लिया, घर में धान पड़ा था एक कोने में, कृष्ण ने हाथों में धान उठा लिया और ठुमक ठुमक के चलते जा रहे हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, कृष्ण को ठीक से मुट्ठी बांधना भी नहीं आता तो कैसे ऐसे करके धान उठाया। हाथों के बीच में क्या है, गैप है, तो उससे धान गिरता जा रहा है। अभी ये धान साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है ना, जो घर में धान होता है ये लक्ष्मी स्वरूप है। मानो यहाँ पर लक्ष्मी स्वयं ही कृष्ण के चरणों में गिरती जा रही है, कृष्ण ठुमक ठुमक के चलते जा रहे हैं। लक्ष्मी कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, बोले कृष्ण मैंने तो तुम्हारे घर के कोने में पड़ी हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, क्यों तुम मुझे यहाँ से नंद भवन से बाहर निकाल रहे हो। अरे यदि यहाँ पर रही तो किसी न किसी दिन तुम्हारी सेवा में तो लगी जाऊंगी, तुम्हारी इन सुंदर लीलाओं की मैं साक्षी हूँ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालकर क्यों अपने दर्शन से विमुख कर रहे हो। ये लक्ष्मी भी चरणों में गिर के और प्रार्थना कर रही है। कृष्ण ऐसे धान गिराते 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 जब बाहर पहुंचे नंद भवन के बाहर, फल वाली तन्मय होके और कृष्ण के नामों का गान कर रही थी, और बाहर पहुंचते पहुंचते जैसे ही कृष्ण ने उनको स्पर्श किया उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही सामने कृष्ण का सुंदर स्वरूप देखा है और बड़ी ताकती हुई, बड़े प्रेम भरे नेत्रों से कृष्ण को दर्शन करने लगी। फल बेचने आई थी ये तो पूर्ण रूप में भूल ही गई थी। अभी कृष्ण ने कहा, बोले फल खिला दो, मुझे फल दे दो। फल वाली कहने लगी कि तू भी तो मुझे कुछ दे। कृष्ण हाथ में जो 2 गेहूं के दाने बच गए थे वो दे दिए, बोले ये लो। बोले बस ये 2 दाने। बोले हाँ गोपी, रस्ते में सारे सब गिर गए, क्या करूं। तो कहने लगी कृष्ण की, मुझे फल खिला दो। गोपी कहने लगी कि तूने ये 2 दाने से तो काम नहीं चलेगा। कृष्ण कहते हैं कि तू बड़ी विचित्र बात कर रही हो, मैं तो ब्रजवासियों के घर में जाता हूँ, ब्रज गोपियों को जब भी कुछ खाने की वस्तु मांगता हूँ वो तो तुरंत मुझे दे देती है, और तू तो विनिमय में कुछ मांग रही हो। बोले कृष्ण, तुम उनके घर में जाकर उन्हें माँ कहते हो, उन्हें बड़े प्यार से उनसे मांगते हो, तो इसलिए वो तुम्हें दे देती है। यदि तुम मुझे भी यदि माँ कहो और मेरी गोद में बैठकर यदि तुम मुझसे फल मांगो तो मैं भी तुम्हें दे दूंगी। कृष्ण मनी मन विचार करने लगे, ना जात का ठिकाना, ना कोई कुल का घराना, कहां इतनी छोटी जाति के होकर चाहती है मैं इसकी गोद में बैठूं, और अगर मात ने देख लिया, यदि ब्रज गोपियों ने देख लिया तो पूरे समय मेरी खिल्ली उड़ाती रहेंगी। कृष्ण ने इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फल भी खाने की इच्छा है, तो कृष्ण ने क्या किया, झट करके उसकी गोद में बैठे, मुझे फल दे दो, इतना कहा और तुरंत खड़े हो गए। अब जैसे ही उस फल बेचने वाली को कृष्ण का स्पर्श मिला, आनंद में विभोर हो गई, और कृष्ण के स्पर्श सुख से उसका तो रोम रोम खिल गया। कृष्ण के सारे फल उठाकर कृष्ण की झोली में दे दिए, वो 2 दाने गेहूं के जो थे अपनी टोकरी में रख लिए। अभी कृष्ण पुनः वापस घर में आए हैं। ब्रज गोपियां जो दास दासियां नंद भवन में काम कर रही थी, उन्होंने कृष्ण को बाहर जाते हुए पहले ही देख लिया था, मैया यशोदा से कह दिया। कृष्ण जैसे ही फल लेकर आए, मैया ने पूछा ये फल कहां से लाए हो। ब्रज गोपियां कहने लगी, बोले यशोदा जानती हो तेरा लाला एक फल बेचने वाली की गोद में बैठा था और उससे कहा कि फल दे दो, माँ उसे कहने लगा। मैया यशोदा भी यशोदाती थी, यशोदा वो भी कोई साधारण माँ थोड़ी है। यशोदा कहने लगी कि क्या हुआ, यदि किसी को यदि किसी स्त्री को माँ कह दिया तो कोई इसमें दोष तो नहीं, ये सिर्फ मेरा लाला नहीं सभी का ही लाला है। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो उनकी तो छाती फूल गई, बोले मैया भी मेरे पक्ष में ही है। उसके बाद में फल को अमनिया करके ठाकुर को भोग लगाया है और सभी सखाओं और कृष्ण ने उसका आस्वादन किया। इधर ये फल बेचने वाली टोकरी में तो सिर्फ 2 गेहूं के दाने रह गए थे। अभी जब मथुरा की ओर जा रही है, मनी मन सोच रही कि आज तो बड़ा बढ़िया सौदा हो गया, कृष्ण के दर्शन करने के लिए आई थी, कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त हो गए और कृष्ण ने क्या किया, 2 गेहूं के दाने भी दे दिए। वाह, ये तो ऐसा सौदा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। जब आगे आगे जा रही थी, यमुना पार करने वाली थी, उससे पहले ही देखा टोकरी का भार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
भैया चक्कर क्या है, फल तो सारे खाली हो गए थे, फिर भार क्यों बढ़ रहा है। आकर देखा नीचे उतर टोकरी तो देखा उसके अंदर हीरे जवाहरात अशर्फियां सोने चांदी से पूरी टोकरी भरी हुई है। ये गोपी मनी मन दुखी हो गई, विचार कर रही कि कृष्ण आप मुझे क्यों ठगना चाहते हो, अरे आपने तो मेरा हृदय पहले चोरी कर ही लिया था। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, अरे आप तो सारे ब्रजवासियों का दुख, सभी ब्रजवासियों के हृदय को चोरी किया है, सभी दुखियों के पापों का चोरण करते हो आप, और आपने मेरे हृदय को तो पहले चोरी कर ही लिया था। अब ये संसार की माया, ये जड़ जगत का पैसा देकर क्यों मुझे ठगना चाह रहे हो। उस गोपी ने क्या किया, वो सारे हीरे जवाहरात को यमुना में डाल दिया और न जाने कहां चली गई, उसका ब्रज में और पता ही नहीं चला, अर्थात भगवान ने उसे अपने गोलोक धाम में पहुंचा दिया। यहाँ पर इस शिक्षा में कृष्ण भक्त वत्सलता को प्रमाणित कर रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं। देखो कृष्ण जब वो फल बेचने वाली के लिए तीसरे दिन में आए, पहले दिन में नहीं आए, दूसरे दिन में नहीं आए, इसका क्या कारण है। हमारे टीकाकार लोग कारण बताते हैं इसका कि कृष्ण अपनी सेवा, किसी से सेवा ग्रहण करने से पहले चाहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा हो। कृष्ण ने अपने सखाओं को पहले और दूसरे दिन फल खाने के लिए भेज दिया, अर्थात यदि किसी के हृदय में इच्छा हो कि वो कृष्ण सेवा करे, उससे पहले कृष्ण भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। जब हम कृष्ण के भक्तों को उनकी सेवा के द्वारा संतुष्ट कर लेंगे, तभी जाकर कृष्ण कभी हमारी सेवा करेंगे। अरे हमने आज तक क्या कभी कृष्ण को देखा है, कृष्ण ने तो किसी को देखा नहीं, हमने तो कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन कृष्ण के भक्त ये संत लोग जो हमारे बीच में आकर हमें भगवान की कथा सुनाते हैं, हमें भगवत भजन का उपदेश देते हैं, ये मानव जीवन की दुर्लभता के विषय में समझाते हैं, यदि हम इनकी किसी प्रकार सेवा कर पाए, इनको सेवा करके यदि हम संतुष्ट कर ले, तब जाकर कभी कृष्ण हमारी सेवा ग्रहण करेंगे। कृष्ण तो बड़े दूर की बात है, पहले तो भगवान के भक्तों को संतुष्ट कर लो, ये ही शिक्षा का प्रश्न है इसमें। दूसरी बात, जब कृष्ण या कह रहे हैं कि उस फल वाली से उन्होंने फल ग्रहण किया है ना, और मैया यशोदा ने भी नारायण को भोग लगा के और उसके बाद में सभी सखाओं को खिलाया। यहाँ पर देखो भगवान को भोग लगाने की विधि बतला रहे हैं। यदि कृष्ण को भोग लगाया, यदि कोई भी वस्तु हम जो ग्रहण करते हैं वो कृष्ण को अर्पण करके और बाद में ग्रहण करी, तो कृष्ण भी हमारी झोली उस फल वाली की तरह हीरे जवाहरात से भर देंगे, है ना। हम कितनी बार इस विषय में श्रवण कर चुके हैं, भोग लगाने का कितना महत्व है, क्योंकि हम जो भी चीज खरीदते हैं वो पैसे से, ये लक्ष्मी साक्षात है और लक्ष्मी कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। रमा क्रीडन अभूत नृप, कल हम श्रवण कर रहे थे कि जब कृष्ण का जन्म हुआ है ब्रज में तो श्रेयत इंदिरा, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, ये लक्ष्मी ब्रज की अली गलियों में खेलने लगी है, ये लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मियां ब्रज की सेवा करती है, और इस ब्रज के मालिक ये ब्रजाधीश कृष्ण, यदि इनको हमने नित्य नियंत्रण इनकी सेवा करी, इनको भोग लगाया, इनका श्रृंगार इत्यादि करके उनकी सेवा करी, तब जाकर भगवान हमारी झोली भी लक्ष्मी से भर देंगे। तो विशेष करके ये दो शिक्षाएं इस कथा से लेके, और मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब बताओ हिंदी ठीक से बोला कि नहीं, ठीक हिंदी ठीक से बोला, बीच बीच में तो गड़बड़ी कर रहा था ना, है ना। हाँ जो 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 उसने जो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ की, आप उसको फिर बाद में बोलना हिंदी में कहाँ कहाँ की होता है ना, वो बहुत कोशिश किया हिंदी सीखने के लिए, लेकिन थोड़ी अगर गलती हो गया तो हम माफ कर देना, और बताना बाद में उसके हिंदी में क्या गड़बड़ है। इसलिए अभी कृष्ण है, अभी कृष्ण साथ में कैसे खेलते खेलते ठाकुर जी कैसे कालिया हृदय पर जाते हैं, और कैसे ठाकुर जी कालिया के सिर पर कैसे नृत्य करते हैं, और कालिया को उन्होंने ठाकुर कैसे कृपा की। हमारे ये श्यामानंद प्रभु जी आपको कालिया दमन की बार में प्रभु जी आपको सुनाएंगे। बोले श्री कालिया दमन भगवान की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। पम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम वैकुंठ गए हेतु वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग स्वपार्षद गौर नित्यानंद प्रभु स्वपार्षद सपरिपति युगल की सदाधा गोविंद जी समस्त स्रोत मंडली वैष्णव वृंद भक्त वृंद माता समस्त चरणों में आलम का जथा जी के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी हम कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में कृष्ण सोच रहे हैं कृष्ण अगर हीरो बनना चाहते हैं ब्रज में तो थोड़ा बहुत तो बहादुरी दिखाना पड़ेगा। अब कृष्ण सोच रहे हैं मैं कैसे बहादुरी दिखाऊं, पहले तो पूतना को मार दिया कोई कुछ असर ही नहीं पड़ा, फिर पैर से टांग से मार दिया सकटासुर को फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, फिर मामा जी ने उड़न खटोला कौन तृणावर्त को भेज दिया हवा में उड़ने लगे फिर भी कुछ नहीं असर पड़ा, कितने असुर को मार चुके हैं फिर भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान सोचते हैं, जितने भी बहादुरी दिखते हैं सब फेल हो जाते हैं। अब कृष्ण सोच रहे हैं मैं क्या बहादुरी दिखाऊं, इतने में कृष्ण सोच रहे हैं कि अब दो बहादुरी बच गया, क्या ना ये गिरिराज को गिरिराज लीला किए और दूसरा ये काली के ऊपर बड़े सुंदर रूप में काली दमन लीला किए। एक दिन ठाकुर के मन में इच्छा हुआ कि मैं काले शिष्यिका से रहता था, बता रहे कि उस एक यमुना के एक धारा एक लहर एक जगह पे घूम करके एक हृदय जैसा हो रहा था, तो वो एक जोजन व्याप्ति एक हृदय में काले रहता था और काले जिस स्थान पे रहता था इतने जहरीला था कि उसी स्थान के जितने भी वृक्ष है जितने भी पेड़ सब पूरा विष के प्रभाव से जहर के गर्व के प्रभाव से सब मर जाते थे, यहाँ तक कि ऊपर से उड़ जाते पक्षी भी गिर के विष के प्रभाव से नीचे आके उस हृदय में काले हृदय में आके गिर जाते थे, इतना भयंकर जहरीला था। अब भगवान सोच रहे हैं हम वृंदावन में लीला करेंगे, अब यहाँ पे जहर पानी है, कहीं हम सखा सखियों के साथ खेलने जाएंगे गायों के साथ गाय चराने के जाएंगे और गाय ने भूल से पी लिया तो पानी फिर तो हो गया काम, अब लीला भी खत्म हो जाएगी, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तब इतने में कृष्ण एक दिन घर में शाम को बोले मैया का भयो पता है, बोले का भयो है, बोले बड़े भाई दाऊ ने आज गधा मार दिया, बोले गधा मार दिया, यशोमती मैया बोले का रे बोलवा ब्रज में कोई काम बाकी नहीं है का गधा मारते फिरे हुए। तो इतने में बड़े भैया दाऊ को तो बड़ा गुस्सा आ गया और बोलते मैया मैं इनके साथ कल नहीं जाऊंगा। तो उसी दिन मैया बोल रहे कि देखो तुम्हारा ना कल जन्म नक्षत्र है तुम कल मत जाना, तुम्हारा क्या है कल जन्म नक्षत्र है तुम मत जाना। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो कृष्ण को एक बहाना चाहिए था क्योंकि दाऊ भैया के साथ जाएंगे, दाऊ ये सेज के ऊपर जाने नहीं देंगे, काली धाम है कूदने के लिए आज्ञा नहीं देंगे, फिर काली दलन मिला नहीं हो सकता, इसीलिए जैसे तैसे करके मैया को समझा बुझा कर घर में रख दिया। तो भाई बलदेव प्रभु तो उस दिन घर में रुक गए जन्म नक्षत्र के कारण और दूसरे दिन कृष्ण ग्वाल बालों को लेके सीता काली धाम पहुंच गए, उसी हृदय में पहुंच गए और खेलते खेलते देखे कि कुछ बछड़े जलपान करते करते वहां पे उनका विष के प्रभाव से मूर्छित हो गए। अब कृष्ण ने मंगलमय दृष्टि प्रदान किया और सारे बछड़ों को वहां पे पुनर्जीवित कर दिया। अब कृष्ण तो बड़े गुस्से में आ गए, अभी कृष्ण क्यों आए हैं ये काले को यहाँ से भगाने के लिए आए। कृष्ण वहां पे एक वृक्ष था उसी वृक्ष कदम्ब का वृक्ष था उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बहुत सारे वहां पे जितने भी पेड़ होते हैं सब तो गरल के विष के प्रभाव से सब तो खत्म हो जाते हैं लेकिन वो वृक्ष क्यों था, बता रहे हैं जिस समय ये गरुड़ जी ने अपने माता को सांप मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत लेके आ रहे थे उसी वृक्ष में थोड़ी देर रुक के विश्राम किए थे, इसीलिए अमृत वहां पे रखने के कारण वृंदावन में उसी वृक्ष आज भी अभी भी है। तो कितने हजार सालों से कृष्ण के समय से भी उसी वृक्ष अमर बन के ही है। तो बता रहे अमृत हो गया था उसी वृक्ष इसलिए उसको काले के जहर से कोई प्रभाव नहीं होता था। कृष्ण ने कदम के वृक्ष के ऊपर उठ गए और जैसे ही कदम के वृक्ष के ऊपर उठ गए ब्रजवाले बोलने लगे बोले लाला देख के गिर मत जाना काले नाग काट लवे। तो कृष्ण तो सोच रहे मंद मंद मुस्कुराए और तुरंत झट करके छलांग लगा दिया और जैसे ही छलांग लगा दिया सीधे नीचे तक चले गए। अब इतने में पूरा ब्रज में हाहाकार हो गया, काले रथ में
कृष्ण काले ने रथ में कूद गए, पूरा ब्रज में बड़े बड़े अपशगुन दिखाने लगे। मैया तो सोच सोच के वहीं मूर्छित हो जाती थी। ब्रज के जितने भी बाल वाला थे सब हाहाकार करते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। अब इतने में कृष्ण जाके देखते हैं तो वहां पे बता रहे हैं कि जैसे काल्यनाग तो अंदर था और उसके दो पत्नी जितने भी पत्नी थे वो सब बाहर थे। वो तो सोच रहे इतने सुंदर लड़के ये पता नहीं विष के प्रभाव से अब तक मरा क्यों नहीं। तो नाग पत्नियां बोल रहे कि अरे तुम्हारा अगर प्राण चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तो कृष्ण बोलते हैं मोको प्राण वाण से डर नहीं है, देखो कालीनाग सो रहा है, कालीनाग अगर जग लेगा ना तुम्हें डस लेगा फिर तो तुम्हारा खबर लेगा, बोले जगाओ। तो इतने सुन के कालिया पूरा जग गया और कालिया जगते ही तुरंत दौड़ते हुए आया और देखा भयंकर फुत्कार किया। सहस्र फणाह जस्य, 100 फण था उसका और उसमें आग निकलता था, गरल निकलता था, भयंकर जहरीला विष निकलता था। देखते ही भगवान ने बोले पहला अवसर तुम्हें देता हूँ, बाद में बोलोगे प्रभु मैं तो निर्दोष था, मुझे आके मेरे ही घर में मार दी। भगवान तो पहले कुछ भी नहीं किया, काल आके गुस्से से भगवान के शरीर में अपने पूंछ को लपेट लिया। भगवान देख रहे, अब काल एक एक करके फण मारना शुरू किया, भगवान के ऊपर गरल छोड़ना शुरू किया। अब भगवान ने बोला अब तो हो गया काम, झट करके काल के सर पे ऊपर उठे और इतने भयंकर से कालियों के साथ भगवान का युद्ध हुआ और कालियों को दमन किए। भगवान बोलो काली दमन भगवान की। कालियों के इतने विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है वो अगर किसी के सर पे होकर चढ़ जाए उसका क्या गति होगा। काले के मुख से तो रुधिर रक्त निकलने गया, सारे विष निकल गया और इतने में काले पूरा चित्कार करने लगा। अब दूर से देख रहे थे इनके जो नाग पत्नी काले मरते हुए देख रहे थे, तो बता सोच रहे थे कि ये जो पत्नियां सोच रहे थे कि ये काले हमें कभी भजन करने नहीं देता, अच्छा ये मर जाए, हमें कभी भजन भजन करने नहीं देता, अच्छा ये मर जाए। अब इतने में कृष्ण जैसे ही थोड़े काले के साथ युद्ध करते हैं काले भगवान के शरण में आ गया। तब काले जैसे ही शरण में आ गया तो जितने भी नाग पत्नी थे सोच रहे हैं अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारे पत्नी हमारे जो पति वो तो पापी है, अच्छा है मर जाए, लेकिन अब तो देखा पति भजन करने लग रहे, अभी पति भजन करेंगे, अब भजन करेंगे तो अभी हमारा प्रयोजन है, अभी उनका उनका हमारा जरूरत है। और दूसरी बात बता रहे हैं अगर पति अगर चले जाए तो पत्नी हम इतने सुंदर हैं हमारे ऊपर कुदृष्टि होगा पर पुरुष का, इसीलिए वहाँ पे नाग पत्नी ने भगवान कृष्ण से वहाँ पे स्तुति करते हैं, बता रहे हैं कि हे प्रभु आपके जो क्रोध है क्रोधायम अनुग्रहायम मत्स्य, प्रभु आपके जो क्रोध है वो क्रोध भी क्या है ना, बड़े सुंदर रूप में वहाँ पे बता रहे हैं कि क्रोध भी आपका जो क्रोध है वो क्रोध भी हमारे लिए अनुग्रह है। तो भगवान बोले क्रोध कैसे अनुग्रह हो गया, क्रोध किस प्रकार अनुग्रह हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ पति को मार मार के वो जहर निकाल करके खून निकाल दिया तुम बोल रहे अनुग्रह कर रहे हो। तो वहां पे बता रहे हैं कि नाग पत्नी बोले प्रभु आप तो आपके चरण जो धूलि है आपके जो चरण का रेणु है वो तो ब्रह्मा शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, लक्ष्मी भी जिनके लिए स्तुति करते हैं, लक्ष्मी भी जिनके लिए तपस्या करते हैं, लक्ष्मी भी जिनके लिए ध्यान करते हैं और लक्ष्मी भी अभी तक बेलवन में तपस्या करते हैं फिर भी आपकी चरण धूलि को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन पता नहीं ये कालिया ने क्या कर दिया ऐसे, प्रभु आपकी जो चरण धूलि का इतना महिमा है, शिव जी की कृपा किए, शिव जी ने ध्यान किया और शिव जी ने जैसे ही ध्यान किया तो आपने उनको क्या किया ना आपने चरणामृत दे दिया, जटा में गंगा को धारण करके रखे, अब बलि महाराज जी ने दान दिया तो उसको क्या किए एक पैर से आपने कृपा करके सुतलोक दे दिया, लेकिन इसने ना ध्यान किया ना दान किया प्रभु, ये तो पूरा का पूरा लाइट चल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय फुला चूर। फिर इतने में
हरे कृष्णा। फिर इतने में काल्य ने, काल्य को भगवान ने फिर नाग पत्नी ने स्तुति किया कि प्रभु आप कृपा करके इनको उद्धार कर दो। तब भगवान ने उनको स्तुति को श्रवण करके काल्य को वहां पर उद्धार करते हैं। और जैसे ही भगवान ने वहां पर नृत्य करते हैं तो बता रहे हैं बिना नृत्य के, बिना संगीत के नृत्य कैसे होगा। शिव जी, गंधर्व, जितने भी देवता थे वहां पे, सारे के सारे देवता वहां पे स्तुति करने लगे, बड़े सुंदर बिना वाद्य करने लगे, सरस्वती आदि, और सबके सब गंधर्व नृत्य करने लगे। और भगवान वहां पे बड़े सुंदर रूप में तांडव नृत्य के सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। तो हमारे सूरदास जी एक पद लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पट गत पम 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 फनति वरत पम 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 विनति करत नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सं 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 सनकादिक नंग 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 नारद मुनि, मंग 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 महादेव बंग बंग बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बड़े सुंदर रूप में तांडव किए। शिव जी बोल रहे हैं, प्रभु मैं तो नटराज सोच रहा था कि सबसे बड़ा नृत्यकार मैं ही हूँ, मैं तांडव करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे तांडव करता हूँ ना, उस स्थान कैसा है ना, प्लेन है। एक जो नृत्यकारी होते हैं ना, जो डांसर लोग होते हैं, वो क्या, उनका जो स्थान होता है, उनका जो स्टेज होता है, वो कितना प्लेन होता है। अगर इधर नाचो तो इधर उठ जाए, इधर नाचो हिलता दुलता स्टेज में कौन नाच सकता है। तो प्रभु, शिव जी बोल रहे, प्रभु मैं जहाँ पे तांडव करता हूँ वो तो पूरा प्लेन स्थान है, लेकिन आप जहाँ पे तांडव करते हो तो इधर कभी उल्टा है, कभी ढिलता है, हिलते दुलते में भी आप इतने सुंदर रूप में, अद्भुत रूप में प्रभु आप नृत्य कर रहे हो। बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी वहां पे नृत्य कर रहे हैं। नटके भी जो नटराज स्वरूप, ये नटराज के भी जो बर है, उनसे भी जो श्रेष्ठ है ये ठाकुर जी। अब ठाकुर जी बड़े सुंदर रूप में नृत्य किया और ये काल्य को बोले, देख काल्य, यहां से तुम भाग करके चले जाओ, यहाँ से चले जाओ वृंदावन में, अब हम लीला करेंगे, और जितने भी लीला में यहाँ पे तुम्हारे जहरीला विष का कोई आवश्यक नहीं है। तब इतने में काल्य ने क्या किया, प्रभु हम कहाँ जाऊं, गरुड़ के भय से तो यहाँ आया हूँ। तब वहां पे भगवान ने बोला, देखो मेरे चरण चिन्ह देख के वो गरुड़ जो तुम्हें मार रहा था, वो गरुड़ भी तुम्हें क्या करेगा ना, निश्चित रूप में वो गरुड़ तुम्हें प्रणाम करेगा, इसलिए तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। अभी भी विदेश में फिजी बोल के एक जगह है जहाँ पे रमणक द्वीप है, जहाँ पे अभी भी गुरु जी बताते हैं वहां पे गए हैं, तो अभी भी वहां पे काल्य है, जहाँ पे रमणक द्वीप में ठाकुर जी उनको भेज दिया। और अपने मंगलमय दृष्टि से, अपने मंगलमय दृष्टि से काल्य हृदय को जो जितने भी जल को निर्मल करके अमृत बना दिया। अब इतने में ठाकुर जी बाहर आते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि सारे ब्रज गोपी तो ऐसे ही मूर्छित हो गए थे, ऐसे ही कृष्ण के स्वरूप को देख के मूर्छित हो गए थे। और इतने में कृष्ण बोलते हैं, देखो हो गया ना, मैं बन गया ना हीरो, अब तो मान रहे हो मैं भगवान हूँ, अब मान रहे हो क्या। तो यशोमती मैया ने कान पकड़े, बोले अब घर चल, तुम्हारे भगवान भगवान अभी चढ़ाता हूँ। किसने बोला तुम्हें वहां पे काली का यहाँ पे कूदने के लिए, ये तो भगवान हमारे इष्ट देव नारायण का कृपा है, ये तो हमारे भगवान का कृपा है। एक ब्रज गोपी बोले, देखो ये जब घुसा हुआ ना, अंदर में जब छलांग लगाया ना, ये काल्य सोच रहा होगा कि इतने सुंदर बाल कृष्ण के स्वरूप है, इतने सुंदर स्वरूप को कौन मारेगा, काल्य मोहित हो गया। एक ब्रज गोपी बोल रहे हैं कि देखो मोहित तो हो गया, इसने सोचा कि मैं इसको थोड़ा कंधे पे उठा लूं, इसलिए इसने ऊपर उठा लिया, ये तो काल्य की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, इसलिए इसको बच गया ये। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैं नाच रहा था, तांडव कर रहा था, तुमने देखा नहीं। बोले बसकर तुम्हारे नाचना, हमें पता है काल्य का सहस्त्र फणा है, जैसे सहस्त्र फणा को हिलाया डुलाया लग रहा था तुम नाच रहे थे, तुम कहां नाच सकते हो। इस प्रकार ब्रज में भगवान जितने भी मधुर मधुर लीला करते, जितने भी ऐश्वर्य दिखाते हैं, सब ब्रजवासी क्या बोलते हैं कि हमारे कृष्ण तो भगवान कभी नहीं है, हमारे तो ये छोटा सा लाला ही है। इस प्रकार भगवान ने काल्य दमन लीला किया। बोल काली द भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इसमें लगा दो तो सब पीछे लगा दो।
कभी कृष्ण को थपथपी लगाकर प्रभु राम की कथा सुनाए थे। एक समय मैया के कृष्ण को गोद में लेटा कर रखी, बोले लाला कन्हैया, एक दशरथ नामक एक राजा था। कृष्ण बोले हूँ। बोले श्री दशरथ महाराज के घर में तो सारे सुख था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए कृष्ण बोले हूँ। बोले तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, यज्ञ से खीर निकला और उन्होंने तीनों रानी को बटवा करके खिला दी। तब खिलाने पर उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं ये चतुर्व्यूह रूप में भगवान प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोले श्री राम लाला की, बोले लक्ष्मण शत्रुघ्न की। जब लाला जन्म हुए इतने में तो एक महीना तक अयोध्या में भगवान की, बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम रघुपति राघव राजा। तो फूल में माला दे दो। जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम। दोनों हाथ में दे दो, गला में दो, सीता राम के हाथ में दे। राम पति तपावन जो बोलूंगा तो बोले श्री सियावर रामचंद्र की। हाँ, इनको तो अपने वनवास बना दिया, हम तो भगवान की सीता की कथा सुनाएंगे शादी की। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, अभी जब भगवान अपना गुरुकुल में जाकर के 64 दिन में ठाकुर जी 64 विद्या को अध्ययन करके आते हैं, एक दिन विश्वामित्र जी आए थे श्री दशरथ महाराज को, बोले बोले आपको दो बच्चे राम लक्ष्मण को मैं चाहता हूँ लेकर के जाऊं, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं वो दैत्य लोग आकर के यज्ञ के बीच में पेशाब टाटी पेशाब कर लेते हैं और हमारे यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। मैं चाह तो उनको मार सकता हूँ, लेकिन अगर भजन करते समय यज्ञ के बीच में अगर क्रोध आ जाए और यज्ञ का फल नहीं मिलता है, इसलिए हम चाहता हूँ ये गौरव प्रभु राम को ही मिले, इसलिए आप कृपा करके आप दोनों बच्चों को मेरे को दो। तो उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को लेकर गए और वहां पर उन्होंने यज्ञों को अच्छे तरह से उन्होंने पूरी करके सारे दैत्यों को खत्म कर डाले। इतने में श्री विश्वामित्र जी ने कहा, देख राम, एक यज्ञ तो तुमने पूरी की है, लेकिन एक यज्ञ मिथिला में भी हो रही है, वो यज्ञ को तुम ही पूरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए, बीच में अहल्या को भगवान जब चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श से उन्होंने अहल्या माता को भी उद्धार किया। बोले अहल्या माता की जय। बोले भगवान रामचंद्र की। जब श्री दशरथ श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जब जनक में पहुंचे, जनकपुरी में पहुंचे, आगे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन्होंने श्री जनकपुरी में पहुंचे राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी, अभी भगवान राम को देख करके जनक महाराज पहले ब्रह्मज्ञानी थे, वो भी भगवान को निराकार निराकार मानते थे, लेकिन जब भगवान राम का रूप देखा, देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कथाती हर सीता, इन्हें बिलो हर सीता, इन्हें बिलो हर सीता, इन्हें बिलो हर सीता, कर I'm not afraid of the dark.
जब जनक महाराज भगवान राम को दर्शन करते ही जो भगवान को निराकार निराकार बोल रहे थे ना, अपने आप हृदय खत्म हो गया, प्रभु राम रूप में ही डूब गए, समझ गए ये राम ब्रह्म नहीं, ये राम परम ब्रह्म है, क्योंकि उनका दर्शन करते ही सारे ब्रह्म सुख खत्म हो गया। अभी वो समझ गए ये जो ये है यही ये बच्चों को बैठा हूं यहाँ पर, इसलिए यही ये जो धनुष को यही रामचंद्र ही इस धनुष को तोड़ सकते हैं, इसमें प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। इनको विश्वास क्यों हो गया, बोले कारण था सीता माता जी जब बचपन में गेंद खेलते खेलते ये धनुष को नीचे कैसे गेंद फंस गया, जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते थे मैया सीता ने एक हाथ से उठा कर उसको नीचे से उन्होंने गेंद को निकाल लिया। जनक महाराज देखे ये धनुष ये सीम धनुष है और उसने एक हाथ से उठा करके जो 400 व्यक्ति उठाते एक हाथ से उठा ली, जरूर ये माँ सीता है, ये सीता कौन है, लक्ष्मी है, लेकिन अभी लक्ष्मी से कौन शादी कर सकता नारायण, अब ये धनुष को जो उठाएगा ना वो नारायण के बगैर कोई उठा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की ये धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी की शादी होगी। लेकिन जब राम को उन्होंने दर्शन किया ना, समझ गए ये राम ब्रह्म ये परम ब्रह्म है, क्योंकि इनको दर्शन करते ही अपने आप मेरे मन से ही ब्रह्म सु खत्म कैसे हो गया, इनकी चरण में मेरा मन कैसे लग गया, यही सचमुच से धनुष को उठा सकते हैं। इतने में विश्वामित्र जी को पूछे बोले ये कौन सा जाति में इनकी जन्म, बोले क्षत्रिय है, ये भी क्षत्रिय थे, जब सुना क्षत्रिय है ना बोले ये काम बन सकता है, देखना जिसकी बेटी शादी के लायक होगी ना, देखना उसको पिताजी को देखना तो चार तरफ में बेटी की बर कौन बनेगा हर समय उनकी, अगर किसी सुंदर लड़का के देखे कोई लिखे पड़े उसको भावना क्या आती है अगर ये मेरी बेटी को साथ में शादी हो जाए तो। लेकिन पहले सोच रहे थे पता नहीं ये कौन सा वंश में जन्म लिया, लेकिन जब सुना क्षत्रिय वंश में ना बोले भैया काम बन सकती है। लेकिन फिर सोच रही इतना छोटा सा बच्चा ये धनुष को उठाएगा कैसे, पर भगवान राम लक्ष्मण सीता को कहां पर बास दिया, श्री जनक श्री जानक की जो बाटी का सुंदर थी वहीं पर उन्होंने स्थान दिया। बोले क्यों, बोले भगवान कहाँ रह सकते हैं, जानकी कौन, ये भक्ति स्वरूपिणी, भगवान की निवास कहाँ पर, भक्ति की भवन में, वहीं पर निवास हो सकती हैं, वहीं पर उन्होंने स्थान दिया। सवेरे उठ करके उपयुक्त समय को देख करके श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बोले जाओ बाटिका से पुष्पों को चयन करके लाओ, मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो बाटिका में गए ना देखा एक फूल भी सूखा हुआ नहीं, एक पत्ता भी वह सूखा नहीं, एक पेड़ भी सूखा नहीं। बोले क्यों, बोले जहाँ श्री माता जानक की बाटिका हो माता लक्ष्मी की वहां पर कैसे फूल पत्ता पेड़ सूख कैसे सकते हैं, इसलिए सब के सब हरा भरा था। जब वो अंदर में प्रवेश करने जा रहे थे वहां माली था, वो माली ने कहा प्रभु आपका अंदर में जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों, बोले मैंने सुना है आप क्या आते समय पत्थर में हाथ चरण लगते ही वो पत्थर नारी बन गई, अगर आप जाओगे बाटिका में अगर सारे वृक्ष अगर नारी बन करके अगर चले जाए तो फिर क्या होगा हमारी। बोले कोई चिंता मत करो ऐसे होने वाले नहीं। इतने में उसने बोले प्रभु अगर तभी अंदर में जा सकते हो एक बार श्री माता जानकी की जयकार दे दो। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, बोले एक बार जानकी की जय दो। लखनऊ बोलो हम जानकी की जय नहीं देंगे, हम जय देंगे तो प्रभु राम की जय देंगे, जानकी की जय नहीं देंगे। इतने में बोले जब तक माता जानकी की जय नहीं देते हो ना तब तक अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। इतने में राम ने कहा लक्ष्मण पहले घुसने नहीं दे रहे थे, कम से कम घुसने को तार दे रहे हैं, एक बार जाने का जयकार दे तो उसमें क्या हो गया, एक बार सीता माता की जय कर दे दो ना। बोले श्री मैया सीता की जय। इतने में जब वो अंदर में गए अंदर में प्रवेश करते ही कभी ये पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, ये पुष्प स्वयं इनके हाथ में समर्पित हो रहे थे। बोले क्यों हो रहे थे, बोले कारण है माता सीता की जन्म कहाँ से हुई, पृथ्वी से, पृथ्वी से हुई, इसलिए भगवान का पृथ्वी क्या लगती है, सांसु लगती है, और वहां से ये वृक्ष हुई, ये वृक्ष क्या हो गई, ये वृक्ष हो गई पृथ्वी की संतान, इसलिए भगवान राम को साथ में संबंध किया, कहते राम हो गए उनकी दामाद, वृक्ष हो गए साला, अगर किसी साला की घर में अगर दामाद आए
कभी साला लोगों को उनको काम करने देंगे नहीं देंगे। इसलिए वृक्षा मानो ये पृथ्वी की संतान है, वो भगवान राम के हाथ में ये फूल को समर्पित कर रहे थे, वो फूल चयन नहीं कर रहे थे। लेकिन जो फूल समर्पित हो रहे थे वह चयन, वो खिले हुए फूल को चयन कर रहे थे। इतने में जो अधखिले जो कलियां थी ना वो रोने लग गई। पीछे 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 लक्ष्मण जा रहे थे, बोले भैया रो रहे क्यों? बोले रोएंगे नहीं क्या, हंसेंगे। आज अगर हम भी खिले हुए होते ठाकुर जी हमें भी स्वीकार करते, बोले मैं हूं ना तुमको सेवा में लगाऊंगा। इतने में लक्ष्मण ने अधखली कलियों को तोड़ना प्रारंभ की। भगवान राम को बोले प्रभु इच्छा आज है ये निकुंज में बैठा करके आपको चोटी को श्रृंगार करो। बोले कोई बात नहीं, इन्होंने अधखिले कलियों को उन्होंने ठाकुर जी की चोटी में बड़ी सुंदर श्रृंगार कर दी। यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं खिले हुए फूल तो ठाकुर के हाथों में, लेकिन अधखिले कलिया कहाँ पर? ठाकुर जी के सर में। मतलब क्या है अधखिले? मतलब अगर हम अधखिले मतलब अयोग्य क्यों नहीं हो? लक्ष्मण कौन? बोले गुरु जी। अगर कोई गुरु जी की शरण में आ जाए ना, भले ही हमारे अंदर में कोई अयोग्य क्यों नहीं हो, गुरु जी हमें क्या करेंगे? ठाकुर जी की सेवा में हमें लगा देंगे हैं। इसलिए अभी इतने में जब राम लक्ष्मण वाटिका में थे, सीता माता भी वो भी पुष्प चयन करने के लिए गौरी पूजा करने के लिए आई थी, एक सखी आगे जा रही थी, हठात उन्होंने राम लक्ष्मण को दर्शन की। दर्शन करके इतने बाबरी हो गई, भागते भागते आई और सीता जी को सखियों को बोले, बोले देखा है दो बालक कितने सुंदर, दो बालक है, हमने कभी इतने सुंदर बालक देखा ही नहीं। इतने में मैया सीता जी को साथ में माता सीता भगवान राम को पहला बार ये वाटिका में दर्शन हुई। दोनों दोनों को देख करके पहचान गए। जब वापस आए ना राम कह रहे हैं, बोले लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भरु बचन न जाए। हमने कभी भी अपना पत्नी को छोड़ करके पराया स्त्री को प्रति कभी नजर नहीं डाली, लेकिन पता नहीं जब से हमने सीता को देखा है ना, जैसे पानी में एक कंकड़ फेंक दो, जैसे पानी में उथल पुथल मच जाती है, मेरे हृदय में जैसे उथल पुथल मच रहा है। बारंबार ये सीता की क्यों याद आ रही है? लगता है ये सीता तुम्हारी जरूर भाभी बनने वाली है, भाभी बनने वाली। इतने में अभी उन्होंने रंगशाला में पहुंचे, जहाँ पर बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, बोले ये धनुष जो धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंता चढ़ा देगा, उसको साथ में माता जानकी की शादी होगी। लेकिन बड़े बड़े राजा लोग तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई टस से मस तक भी नहीं कर रहे थे। लेकिन वहां पर जनक महाराज बैठ बैठ कर देख रहे थे, उनको पता धनुष एकमात्र एक व्यक्ति उठा सकता है राम, लेकिन जो उठा सकता है वो तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जो उठा नहीं सकते वही कोशिश कर रहे हैं। इतने में जब किसी ने नहीं उठा पाए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भैया झंडा कहाँ रहता है? बोले डंडे के ऊपर में झंडा रहता है, पहले डंडे उठे तब तो झंडा उठेगा। बोले ये डंडे स्वरूप कौन है? बोले लक्ष्मण है। बोले झंडा स्वरूप कौन है? बोले भगवान राम। पहले लक्ष्मण को खड़े करो फिर राम उठेगा। बोले कैसे लक्ष्मण को खड़े करे? इतने में उन्होंने थोड़ी सी कड़ी कड़क वचन सुना दी। लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। इतना बोलते ही लक्ष्मण वहां बैठे हुए थे। ये लक्ष्मण कौन? बोले अनंत देव, एक मणिधर सर्प होता है। अगर मणि को कोई छेड़ देना फिर तो सर्प जान से खा लेता है, लेकिन यहाँ पर अनंत देव कौन? श्री लक्ष्मण। ये मणि स्वरूप प्रभु राम। अगर राम को अगर थोड़ी बहुत कुछ कोई बोल देना फिर तो लक्ष्मण छोड़ते नहीं। जब उन्होंने सुना बोला वीर शून्य हो गया, वहां पर तो लक्ष्मण खड़े हो गए। बोले महाराज जनक चुप रहो, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हुए? मेरे प्रभु राम बैठे हुए। हम तो बचपन में इतने कितने ऐसे धनुष को खेलते खेलते तोड़ दिया, और ये कहाँ एक सड़ा गला एक धनुष की बात करते हो? ये पृथ्वी को मैं एक गेंद का भांति उठा करके मैंने एक क्रोश तक ले सकता हूँ, पृथ्वी को मैं चकनाचूर कर सकता हूँ। इतने में भगवान राम बोले लक्ष्मण चुप बैठिया, यहाँ पर गुरु जी है, जब तक गुरु जी आदेश नहीं देते तब तो कैसे करेंगे? इसलिए पहले गुरु जी को तो आदेश देने दो। हाँ मेरे को पता तू स्वयं अनंत देव है, ये धनुष को उठा सकते हो, लेकिन अगर तू धनुष उठाएगा तो मेरा क्या होगा? बोले क्योंकि धनुष जो प्रत्यंत चढ़ेगा उसको साथ में शादी तो होगी ना,
इतने में गुरुजी उपयुक्त समय दे करके राम का आदेश दिए और भगवान राम धीरे 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 आगे चल रहे। माता जाने के सामने खड़ी हुई माला लेकर के मैया सीता भगवान की सुकुमारता को सोच सोच करके वो प्राण त्याग देने जा रही थी। बोले क्यों? बोले जिस समय वो पुष्प वाटिका में गई थी उसी समय सवेर का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, भगवान राम पुष्प चयन नहीं पुष्प उनका हाथ में समर्पित हो रहा था, लेकिन भगवान का शरीर में उसी समय पसीना बह रहा था इतने कोमल। इसलिए मैया सीता सोच रही है इतने बड़े धनुष क्या प्रभु उठा पाएंगे, अगर नहीं उठा पाएंगे तो मेरी क्या होगी, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। वो तो प्राण त्याग देने जा रही थी, भगवान राम ने देखा का बरसा जब कृषि सुखाई, अरे धनुष तो सीता के लिए तो मैं उठाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर सीता जी प्राण त्याग दिया तो उठा कर क्या होगा। रामचंद्र जल्दी जल्दी चले और जाकर के देखते देखते धनुष को कब पकड़े और उठाए, जब प्रतंचा चढ़ाने के लिए गए धनुष दो टुकड़े हो गए। सियावर रामचंद्र की, इतने में जनक महाराज इतने प्रसन्न हुए, बोले सो नयना जल्दी जल्दी जाने की लाओ। मैया जानक की आकर के भगवान को माला पहनाना चाह रही थी, लेकिन जानक कितने बड़े प्रभु राम के कंधे तक, भगवान राम मुकुट पहने लंबे, अभी जब हाथ में पहनाने जा रहे थे ना वो पहनने में आनी है हाथ नहीं जाए। इतने में मैया जानकी फूल की माला लेकर खड़ी हुई, इतने में सीता जी की जितने सहेलियां थी ना राम को पास में गए, कानों में धीरे से बोले, बोले थोड़ी सी सर झुका दो ना। बोले क्या? मैं दशरथ महाराज का बेटा हूँ। दशरथ मतलब क्या? जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलता था, अभी तक हम किसी के चरण में कभी सर नहीं झुकाए, शादी नहीं हुआ। बोले सर झुका दे भैया, हम सर नहीं झुकाएंगे। रामचंद्र तो ऐसे करे खड़े हुए, सारा दुनिया देख रहे हैं, भैया माला लेकर खड़ी हुई। इतने में भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण तू कुछ कर। बोले मैं क्या करूं? लक्ष्मण को पृथ्वी स्वरूप, बोले ये पृथ्वी थोड़ी दो टुकड़े हैं, वो तो एक ही है ना, अगर मैं उठाऊंगा तो दोनों उठ जाओगे, अगर नीचा करूंगा तो दोनों ही नीचे हो जाओगे, मैं फिर क्या करूं? बोले कुछ कर। इतने में जो सखियां थी ना श्री लक्ष्मण को कान में बोले, बोले लक्ष्मण अगर तू हमारी एक काम करोगे तो तेरे भी हम काम गलत करा देंगे। बोले क्या? बोले ये सीता जैसे सुंदरी है ना, इसके छोटी बहन उर्मिला है वो भी ऐसे सुंदरी, अगर तू हमारी काम कर तेरी काम भी करा दूंगा। लक्ष्मण देखा जब शादी की बात आ गई, बोले भैया कुछ तो करना पड़ेगा। फिर इतने में लक्ष्मण प्रभु राम की भावना समझ करके इन्होंने प्रभु राम की चरण में प्रणाम किया, प्रभु राम की चरण में उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम करेंगे फिर राम को उठाना पड़ेगा, सुन रहे हो? राम को जब उठाने के लिए गए सर नीचा हो गया, उसी समय में माता जानकी ने किया कि उन्होंने राम की गला में माला पहना दिया। माला पहना दो तो अब जोर से ताली बजा, तब भी माला पहना। अभी जब माला पहना दिए, अभी जनक महाराज सोच रहे थे शायद ये दो ही भाई है, लेकिन जब बराती आए ना देखा दो भाई नहीं है चार भाई है, और इनको पास में चार बेटी सीता और उर्मिला मांडवी सुत कीर्ति ये सख्यात माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी, वो भी चार ही भाई। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम शुभ कार्य शीघ्र हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने दशरथ महाराज को पास में वशिष्ठ को पास में ये परामर्श रखे, हमारी पास में चार बेटी आपके पास में चार बेटे, हम चाहते है सारे बेटे बेटी आपको देने के लिए। दशरथ महाराज सोचे बच्चे तो बड़े हो ही गए, बहू तो ढूंढना ही पड़ेगा, और जनक महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी इनके परिवार में संबंध कोई छोटे मोटे बात नहीं, राजी हो गए। बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई, लेकिन पहले नियम था शादी होते ही कोई नहीं मिलते थे, चार दिन बाद में मिलते थे। इतने में क्या हुआ, चार दिन के बाद में जितनी सब सहेलियां थी ना चार ही बहुओं को बड़ी सुंदर दुल्हनी बना करके और घूंघट निकाल करके चार बहनों को चार भाइयों के पास मिलाए। बोले राम लक्ष्मण भरत देखो तुम चार भाई तुम्हारी चार बहू है, अपना अपना बहू को छांट लो, अपना अपना बहू को छांट लो, लेकिन अभी तक तो किसी ने देखा ही नहीं बहू कौन है। बोले देखो राम सावधान, छोटे भाई का जो पत्नी है वो बेटी के बराबर है। अभी उन्हें छोटे भाई को बोले देख बड़े भाई का जो बहू है वो माँ की बराबर है, अपना अपना पत्नी को ठीक ठीक से चुनो, नहीं तो अपना बेटी अपना माता को बहू बनाना होगा, इसलिए ठीक से छांट लो। सालिया तो हंसी दिले करती हैं, चार ही भैया को तो भसना भसना लेना शुरू हो गया, हम तो देखा नहीं अभी तक तो कैसे पता चलेगा ये कौन किसका है,
लेकिन भगवान राम बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी सीता है, सही चाहती हूँ। भरत जी को बोले तुम बताओ तुम्हारी पत्नी, उन्होंने बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी है, बोले तो सही सही छान रहे। इतने में शत्रुघ्न को बोले बोले तुम्हारी पत्नी कौन, बोले ये मेरी। लक्ष्मण को बताओ तुम्हारी कौन, बोले ये मेरी, लेकिन सही सही छान रही है। सखियां बोले अभी तक देखे नहीं छांटे कैसे। राम को बोले राम ये बताओ तुमने कैसे पता लगा ये मेरी तुम्हारी सीता है, बोले सीता को मैंने दो बार देखा है, एक तो पुष्प वाटिका में देखा, अब जब गले में माला डाल रहे थे ना तभी मैंने देखा, इसलिए मैंने पता चल गया ये मेरी सीता है। भरत को बोले तेरे को कैसे पता चला, बोले देखो भरत राम का बड़े भक्त है, बोले जब कोई मैं काम करता हूँ राम का चरण को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। इतने में शत्रुघ्न को पूछे तेरे को कैसे पता चला कि तुम्हारी पत्नी, मैंने उसने कहा मैं सबसे छोटा, देखे ये चारों में जो सबसे जो छोटी होगी ना ये मेरी पत्नी होगी, इसलिए जो सबसे छोटी को मैंने चुन लिया। लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी, बोले देखो तीनों ने जब तीनों को छांट दिया जो रह गई वो मेरी पत्नी है, इसलिए बड़ी हंसी लगी और बड़े धूमधाम से प्रभु की विवाह पूरी हुई। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की। एक मिनट प्रभु जी भजन सुना देंगे, ये झुक जाइयो तनी देर में फटाफट कर दे। हाँ देखो आज तो देखो आज देखो जो कथा है कल कथा के विश्राम है, कथा तो समाप्त नहीं होता है, क्यों हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन कल जो कथा है वो सवेरे सवेरे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कथा है, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन है, फिर परसों हमारी फिर वृंदावन में कथा है, इसलिए कल जो कथा है कल 10 बजे कथा है। और कल की जो कथा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक दिन ही आए कोई दो दिन ही आए कोई बीच में आए कोई लास्ट में आए, जो पूरी कथा नहीं सुन पाए कल की जो कथा सुन ले वो पूरी कथा सुनने का फल मिल जाएगा। ये भागवत नहीं, भागवत को बताया ये निगम कल्प तरूर गलितम फल, कदि ये कल्प वृक्ष है। अगर ये कथा को कोई ध्यान से सुने सही सही मन लगा करके, कदि जो निर्धन उसको धन प्राप्त होता है, जिनका पुत्र नहीं उनको पुत्र प्राप्ति होता है, जो दुखी उन्हें सुखी करता है, जो रोगी उसको निरोग करता है, और जो भगवान की प्रेम चाहते हैं उनको ठाकुर जी की प्रेम मिलता है। इसलिए कल कथा की विश्राम दिन है, आप लोग कोशिश करना 10 बजे से पहले आ जाओगे तो अच्छी बात है, इसलिए कल और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था। आज एकादशी है, कौन कौन एकादशी रखे हो, कल तो मैंने बहुत कथा सुनाई थी, हाथ उठाओ कौन कौन एकादशी रखे हो। हाँ मुझे लगता है जो नए व्यक्ति आए हैं शायद कल मैंने बहुत कोशिश किया था, जैसे कम से कम भागवत में एक एकादशी व्रत रखो, एकादशी की बड़ी महिमा एकादशी, भागवत में और कोई बार व्रत का नाम नहीं आती है, केवल एकादशी कथा ही भागवत में आती है, जिसको अम्बरीश महाराज मैया जसोदा नंद बाबा पंच पांडव जो एकादशी को व्रत रखते हैं। आप लोग अगर कोई बार व्रत भी नहीं रखो लेकिन अगर एकादशी व्रत का आपने रख लिया तो समझो पृथ्वी का सारे व्रत करने का फल ये एकादशी व्रत में फल मिलता है। और मैंने कल आपको बहुत तरह तरह से मैंने समझाया था कैसे अम्बरीश महाराज एकादशी रखते थे, और कैसे साइंटिफिक रूप में मैंने समझाने के लिए कोशिश की क्यों हमें ये व्रत रखनी चाहिए, ये शरीर कैसे कि मशीन है, कोई भी मशीन को अगर कंटिन्यू चलाओगे वो ज्यादा दिन नहीं चलती, अगर बीच बीच में रेस्ट देकर चलाओगे तो मशीन बढ़िया चलती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो ये व्रत की व्यवस्था किया है वो संपूर्ण साइंस के ऊपर में ये निर्भर करता है, ऐसे नहीं मन की भाव है एकादशी का व्रत एकादशी व्रत रख लो, इसकी अगर अनजान में भी आपको पता नहीं ये एकादशी क्या होती है, अगर अनजान में भी एकादशी व्रत कोई रख लेते हैं जैसे आपको पता नहीं ये आग में क्या, ये बच्चा अगर अग्नि में अगर हाथ लगा तो वो जला देता है, पता नहीं ये जहर अगर खा लोगे तो मरने का मृत्यु कारण होता है। एकादशी के इतने महिमा है, एक कथा आती है जो हमारे भारत में रुक्मागद नाम के थे, सुन पांच मिनट सुन लो इसके बाद में भजन सुन लेना, ये एकादशी क्या महिमा ध्यान देकर सुनो। इसलिए कहते हैं कि राजा थे जिनका नाम था श्री
हैं, जिस भीष्म राजा थे, रुक्मांगद महाराज थे, इन्होंने ये राजा हमारे पृथ्वी के ऊपर राज्य तो करते थे। इनके देश में नियम था, मेरे देश में सबको एकादशी करना ही पड़ेगा, जो मेरे देश में एकादशी व्रत नहीं करेगा राज्य से निकाल देंगे, नहीं तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। इसलिए राजा का राज्य में सबके सब एकादशी व्रत रखते थे। अभी एकादशी व्रत भगवान की व्रत है, जिस घर में एकादशी हो, एकादशी मतलब 11 इंद्रियां हैं, जिस घर में एकादशी व्रत भगवान की भजन हो ना कीर्तन हो, वो घर में पाप नहीं प्रवेश कर सकता है। अब ये पापी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को जान से खत्म कर दो। बोले क्यों? बोले ऐसे एक राजा आया है, खुद तो एकादशी व्रत रखता है, पूरा दुनिया को एकादशी व्रत रखवाता है। इसलिए जहाँ एकादशी व्रत जिस घर में, वो घर में मैं घुस नहीं सकता, प्रवेश नहीं है, मेरे खत्म कर दो। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मा जी ने एक सुंदरी लड़की को सृष्टि किया जिसका नाम था मोहिनी। वो इतनी सुंदर थी, ये पृथ्वी लोक में इतने सुंदर स्त्री होती नहीं। बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले ये राजा रोज जंगल में जाता है, तुम इसको साथ में शादी करके इसके घर में जाओ और किसी तरह से एकादशी व्रत को तुम नष्ट कर दो। इतने में वो मोहिनी गई, राजा जब जंगल में गए थे घूमने के लिए, एक ऋषि की आश्रम पर पहुंचे जिनका नाम था वामदेव। जब पानी पीने के लिए पहुंचे, राजा की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले महाराज आपको पता है पूर्व जन्म में कौन थे? बोले नहीं। बोले तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुना। पूर्व जन्म में तुम एक शूद्र था, बहुत बड़ा पापी था। तुम्हारी जो रानी है ना, ये वेश्या थी, शूद्राणी। एक दिन क्या हुआ, आप इसको प्रेम में इतने आसक्त थे, तो सुंदरी थी, जब वो खाती थी आप खाते थे, जब चलती थी वो भी चलते थे, जब वो बैठती आप भी बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, ठीक एकादशी का दिन था, आपको पता नहीं था आज एकादशी व्रत है। उसी दिन वो शूद्राणी वेश्या को बड़ी तेज बुखार आई, आई तो उसने भोजन नहीं की, आप भी दुखी होकर भोजन नहीं किए, दिन भर छटपट करते रही, रात भर छटपट करते रही, बुखार बढ़ते रहा और लास्ट रात में जाकर शरीर छोड़ा। आप भी दुखी होकर के भोजन नहीं किए, आप भी दूसरे दिन शरीर छोड़े। जो एक एकादशी आपकी जो निर्जला आपने किया है, इसका फल स्वरूप अभी पृथ्वी का राजत्व तो आप भोग कर रहे हो, वही शूद्राणी आपके घर में आपके राज रानी बन करके आए। एकादशी की इतने महिमा। बोले इतने महिमा एकादशी की? तब उन्होंने जब थोड़ी दूर गए, फिर मोहिनी को देखा, वो बड़ी सुंदरी थी। जब सुंदर थी, राजा उसको शादी करके घर में लाए। जब लाए, राजा पहले भी शादी करके रखे थे, उसका एक बेटा था जो धर्मांगद धर्म स्वरूप था। जब आए, लेकिन वो जो आई थी मोहिनी एकादशी को नष्ट करने के लिए आई थी, उसने गुप्त रूप में ब्राह्मण को बुलाया। बोले देखो ब्राह्मण हो, अगर राजा तुम लोगों को बोले एकादशी किसको करनी चाहिए, शास्त्र की बात नहीं बताना, छुपा देना, मन गढ़ंत कुछ बात को बता देना। अरे जो विधवा हो गई, जो बूढ़ी हो गई, जो इच्छा करे करे, नहीं करे जरूरत नहीं, सबको एकादशी व्रत करना। अगर ये बात स्थापित हो गया तो सोने चांदी से तुम्हारी झोली भर दूंगा। बढ़िया, बैठो यहाँ पर बैठो, इसलिए तुम्हारी हम झोली भर देंगे। अभी तो वो सबके सब उनको चक्कर में आ गए, बढ़िया बैठो बैठो, इसलिए उन्होंने उनके चक्कर में आ गए। बोले कोई चिंता मत करो, हम ये बात को बता देंगे। अभी राजा का राज्य में नियम, जैसे कल एकादशी, एक दिन पहले ढिंडरा पिटवा करके पूरा राज्य में प्रचार करते, बोले सावधान कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश, सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, जो एकादशी व्रत नहीं रहेगा उसको राज्य से निकाल दूंगा, नहीं तो सूली में चढ़ा दूंगा। इतने में रानी बोली महाराज ये ढिंडरा क्यों पिटवा रहे? बोले रानी हमारी देश में एक नियम है, सबको एकादशी व्रत करना पड़ता है, जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको मृत्युदंड, नहीं तो राज्य से निकाल देंगे। रानी तो एकादशी को नष्ट करने के लिए आई थी। बोले ये एकादशी एकादशी कहां से इसे अपसंस्कार ले आए, सबको एकादशी व्रत करना पड़ेगा कहां पर बताया गया, और जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, विधवा हो गई, इच्छा तो कर लेंगे, क्या जरूरत है सबको एकादशी व्रत करने का? बोले कहीं शास्त्र में है कि नहीं? बोले शास्त्र में है। बोले मेरे को दिखाओ। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाए, बोले भैया वेद पुराण लेकर के आ जाओ, एकादशी के विषय में कहां कहां पर तुम बताओ। लेकिन ये राजा को तो पता नहीं, ये रानी पहले सिखा बढ़ा करके इनको रखा।
लेकिन ब्राह्मण लोगों तो पैसा की लोभ में आकर के शास्त्र को बात को उन्हें छुपा दी। बोले महाराज कोई जरूरत नहीं सब एकादशी व्रत करने का, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए जो विधवा हो गई इच्छा हो तो करे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं सबके एकादशी व्रत रखने का। राजा बोले अभी तक तो तुम लोग ये बात हमें नहीं बताया करते थे, तुम बोलते थे अम्बर ऋषि महाराज एकादशी व्रत रखते थे, भागवत में जिनकी कथा स्वयं दुर्वासा जैसे शंकर जी की स्वयं स्वरूप है, एकादशी व्रत को नष्ट करने के लिए आए तो सुदर्शन चक्र जिनको रखा करता था और उनको पीछे सुदर्शन चक्र भगाया, उनको ब्रह्मलोक तक सी वैकुंठ तक भी भगाया तब भी उनको रक्षा नहीं मिली, लास्ट में अम्बर ऋषि चरण में क्षमा मांगना पड़ा, जिसको नंद जसोदा करते थे, जो सबसे बड़ी एकादशी पांडवा निर्जला एकादशी, जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में करते थे, एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं हो, जो एकादशी व्रत करते हैं सारे पाप उसकी नष्ट हो जाती हैं। आप लोग तो एकादशी की बड़ी महिमा बोलते थे, पुराण में श्लोक है अष्टा वर्षा धिक पूर्ण आसीत शीत वत्सर, 8 साल से 80 साल तक ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए, उसको पहले नहीं करते कोई दोष नहीं, उसको बाद में नहीं करते दोष नहीं। और एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या ये सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में निवास करते हैं। तुम लोग तो ये बड़ी बड़ी बात करते थे, आज इतने जल्दी बात पलटा दिया कैसे? बोले राजा ऐसे ही है। राजा बोले नहीं मेरे देश में एकादशी व्रत रहेगा। रानी बोली महाराज शादी से पहले मैंने बोला था जब तक मेरे बात सुनोगे तब तक रहूंगी, मैं तो चली जाऊंगी। बोले चली जाओ कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो पहला बेटा था धर्मांगत धर्म स्वरूप है। बोले पिता छोटी माँ की चरण में गिर पड़ी, माता जी हमारी देश में एकादशी व्रत रहेगा, हम एकादशी व्रत नहीं छोड़ सकते हैं, इसकी विनिमय में आप जो मांगोगे हम 100 देने के लिए तैयार है। बोले दे सकते हो? बोले हाँ। बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तेरे सर को काट करके अगर तेरे सर को दे दे तो फिर मैं रह सकती हूँ। राजा बोले तू माना पिसाची, हमारी एक ही बेटा भविष्य में राज सिंहासन को यही संभालेगा, कोई पिता माता अपना बेटे का सर काट कर दे सकते हैं? तुम चले जाओ जरूरत नहीं, लेकिन वो धर्म स्वरूप था बेटा। बोले पिताजी ये शरीर आपसे ही मिला, मेरा कर्तव्य है पिता माता की सेवा करना, एक दिन तो मरना ही है, अगर ये शरीर को दे करके अगर एकादशी व्रत हो पिताजी के धर्म रखा हो इससे बड़ा क्या हो सकता है, कोई चिंता मत कर पिताजी मेरे सर को काट करके दे दो। जिसका सर काटने के लिए जा रहे थे ना वैकुंठ से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बंद करो बंद करो बंद कर, भगवान प्रकट हो गए विष्णु। बोले राजा रुक्मांगद सबसे प्यारा होता है अपना बेटा, लेकिन ये एकादशी व्रत मेरा ही व्रत है, तुमने मेरे एकादशी व्रत के लिए तुमने अपना बेटे को भी त्याग दी, वैकुंठ से रथ तैयारी बैठो और वैकुंठ विजय करो। बोले धर्मागत तुमने सचमुच से धर्म का स्वरूप है, अपना शरीर को दे करके एकादशी को रक्षा करने के लिए कोशिश की, अभी राज्य तुम्हें तुम राज्य करो, इसको बाद में तुम आ जाना, अभी जो पाप था वो दुखी हो गया। बोले प्रभु मेरे को कोई स्थान तो नहीं तो खत्म कर दो। बोले एकादशी का दिन जो अर्ण भोजन करेंगे वो अर्ण में ही ये सारे पाप अर्ण में ही रहेंगे, ये गो हत्या भ्रूण हत्या पिता माता हत्या और ब्रह्म हत्या सारे पाप अर्ण में रहेगा, जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्ण भोजन करेगा वो सारे पाप उसको ही भोगना पड़ेगा। मोहिनी बोली प्रभु मेरी क्या होगी, मैंने ये एकादशी को नष्ट करने के लिए कोशिश की। देखो इसमें बताए आप देखना कभी कभी एक ही एकादशी आती है और कभी कभी देखना दो एकादशी आ जाती है, जब एक ही एकादशी आती है उसमें तो एकादशी व्रत करो, लेकिन ये कभी कभी दशमी विधा आती है, विधा मतलब जो भेद कर देती है वो एकादशी को नहीं करनी चाहिए। अगर कभी दो एकादशी आए दूसरे दिन जो द्वादश युक्त तो जो एकादशी कभी ये दशमी विधा एकादशी से भी वो द्वादश युक्त तो एकादशी की विशेष महत्व है, जो व्यक्ति दशमी विधा एकादशी व्रत रखेगा कभी उसका फल उसको नहीं मिलेगा ये महीन को मिल जाएगा। इसलिए अगर दो एकादशी आए तो अब दूसरे दिन ही द्वादश युक्त एकादशी को रखनी चाहिए। इसलिए जो भागवत में ये एकादशी कथा आती है कोई बाहर व्रत का कथा नहीं आती। मैंने कल बहुत मैंने कथा सुनाया था आपको एकादशी, इसकी दूसरी कथा आती है कृष्ण नारद को भी जा रहे थे, हठात रोने की आवाज सुनाई पड़ा चित्कार, इतने में नारद कृष्ण बोले नारद कहाँ आ गए,
बोले नरक के पास में आ गए। बोले चलो वहां पर जाकर के देखा, जो जैसे जैसे कर्म कर रहा था वैसे दंड भोग कर रहा था, भीषण सजा दे रहे थे 84 नरक में, वो चित्कार कर रहे थे बचाओ बचाओ। वहां पर जब भगवान पहुंचे, भगवान को दर्शन करते सारे नरक कुंड खाली हो गया। कृष्ण ने कहा नारद जी आज क्या व्रत है, कौन सा तिथि? बोले प्रभु एकादशी तिथि। बोले जाओ पृथ्वी में बिना बजाते बजाते प्रचार करो, जो एकादशी व्रत करेगा कभी नरक नहीं आएगा, कभी नरक नहीं आएगा। अब आपको एक सही घटना सुनाता हूँ। कहते एक समय हठात जो गांव के एक व्यक्ति मर गया था, हठात देखा वो गांव का व्यक्ति प्रकट है। गांव के लोगों बोले भैया तू तो मर गया तो दोबारा कैसे आ गया? बोले मैं जमदूत बन गया। बोले जमदूत कौन बनता है? बोले जिसको भगवान मानव शरीर देते हैं लेकिन ये जीवन पाकर के जो भजन नहीं करता वो नरक जाते हैं। अगर 100 बार ठाकुर जी मानव शरीर दे, अगर भजन नहीं कर 100 बार नरक जाएगा। एक जगह पर जब कोई व्यक्ति 100 बार जाएगा फिर क्या होगा? वहां का जानकारी बहुत बढ़िया से वहां का जानकारी हो जाती है, कौन सा कर्म करने पर कौन दंड भोगना मिलता है। बोले भैया लगता है तू नरक का बड़ा भक्त है, मेरे को नरक का जमदूत बना दिए। बोले एक काम बोल सकते हो? बोले बोलो। बोले ये नरक किसको जाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं कहता है जमदूत। बोले जो एकादशी व्रत रखता है, गले में कंठी तिलक हरिनाम करता है, वो कभी नरक नहीं जाएगा। उस खुद बोला ये बात को, ये कल्याण में निकली थी कथा, सही घटना है। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा, अभी तो इतना समय नहीं है आपको मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पुराण में इतनी महिमा एकादशी आई। अगर कोई बार व्रत रखने का जरूरत नहीं, मना कर देते सो मंगल बुध जो कह रहे हो, ये एक एक देवता के लिए होता है। 33 करोड़ देवता कितने को मनाओगे? एक मनाओगे दूसरे मुंह फुला कर बैठेगा। लेकिन एकादशी व्रत ही भगवान कृष्ण की व्रत है, भगवान राम का व्रत है। कहते जहां पर कृपा हरि की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। शास्त्र कहता है कोई व्रत नहीं करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी व्रत नहीं करोगे तो पाप तुम्हें लगेगा, क्योंकि अन्न में सारे पाप रहता है। ठीक है, आज तक कुछ कुछ माता है एकादशी व्रत किए हो, आपको धन्यवाद है। जिन लोगों ने ये एकादशी व्रत रखे हो हम लोगों को धन्यवाद। कल जो कथा है, आज तो सोच रहे थे हम गिरिराज की पूजा करेंगे, लेकिन आज एकादशी का ब्रज हम नहीं कर पाए, लेकिन भगवान की वरदान है। अन्नकूट उत्सव में एक अन्न का दाना, ये गिरिराज स्वयं कहते हैं, एक अन्न का दाना जो भोग लगाते हैं, कहते किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का भी अभाव नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं बोले। इसलिए कल अन्नकूट बनाएंगे, जितने माता है ना घर में, कोई अगर फल हो, कोई अगर थोड़ी कोई मिठाई हो, नहीं तो अगर घर अच्छे तरह से शुद्ध पूर्वक अगर कोई चीज आप लोग ने बना सकते हो, हलवा पूरी बात जो बढ़िया चीज बनाते हो, थोड़ी थोड़ी अगर बना करके लाओगे, कल अन्नकूट महोत्सव करेंगे, गिरिराज की सेवा में लगेगा, भोग लगने के बाद आपको ही प्रसाद मिलेगा है। इसलिए कोशिश करना कुछ ना कुछ खाली हाथ में नहीं आना। आप लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ तो। बोला हाथ उठाओ कौन कौन गिरिराज गए। अब वहां देखना ये गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे हो क्यों? बोले जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए वहां पर जितने शिला के ऊपर शिला रख देते ना ठाकुर, उतना मंजिल मकान दे देते। अब देखना वहां पर गिरिराज का अभिषेक करते। बोले क्यों? बोले जिनकी बेटे की नौकरी नहीं लग रहा है, बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर का काम धाम ठीक नहीं, जो गिरिराज परिक्रमा करते हैं कृष्ण स्वयं उनके पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते हैं। ये मेरे को इतने कष्ट करके परिक्रमा करता है क्या मांगेगा? इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, जो सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए ये गिरिराज कोई पत्थर नहीं, विश्व ब्रह्मांड तो बांके बिहारी को पूजा किया, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा किया? बोले गिरिराज की। सारा दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा किया? कल हम सुनेंगे वो स्वयं कृष्ण स्वयं ब्रजवासी को लेकर के गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। इसलिए ये गिरिराज को स्वयं कृष्ण अंगुल पर धारण किया, गिरिराज की बड़ी महिमा। ये कोई पहाड़ नहीं, ये भगवान स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए कलयुग में ये प्रत्येक देवता से गिरिराज, इसलिए कल गिरिराज की पूजा होगी, कल कृष्ण रुक्मिणी की शादी और सुदामा की भी कथा होगी। इसलिए कल हम लोग बड़े धूमधाम से भगवान के उत्सव और कल कथा की विश्राम का दिन है। और हमारे मनोज प्रभु जी, इन्होंने बहुत कष्ट करके इन्होंने ये भागवत कथा रखवाया, मेरे को बहुत दिन से बुलाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये कोरोना आ गई थी, फिर बीच में इधर उधर होने का निकट में नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ जब इन्होंने ये भागवत कथा रखवाई, और रोज रोज आप सभी के लिए प्रसाद के लिए उन्होंने व्यवस्था की है।
देखो लोगों का तो बहुत पैसा, तरह तरह से कहाँ कहाँ पैसा चली जाती है, लेकिन भैया इतना बड़ा दिल होना बहुत बड़ी चीज है जो कि ये भागवत कथा को रखवाए, क्योंकि ये पैसा की तभी सद प्रयोग है कि लक्ष्मी जब नारायण की भागवत में सेवा में लग जाए, तब माँ लक्ष्मी कभी बड़ी आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी को तुमने सदप्रयोग किया है, जितने लोगों का कथा में मन परिवर्तन होगा, भजन करेगा, इसका पुण्य किसको मिलेगा? ये कथा जो करवाते हैं तो पुण्य उनके ही मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी इन लोगों का आशीर्वाद दे, ठाकुर जी कृपा करे, ये लोग खूब फलते फूलते रहे और ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो जैसे सुदामा का चरित्र है ना, आप थोड़ा थोड़ा घर से चावल लाना, वो चावल लाओगे तो वो चावलों को यहीं से आपको थोड़े थोड़े दे दूंगा, वो चावलों को लाल कपड़े में बांध करके एक दो सिक्का अगर रख करके ठाकुर को घर में रखो तो कहते घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, घर में हर समय माँ लक्ष्मी जैसे सुदामा दो मुठ्ठी चिड़वा दिया ठाकुर जी त्रिभुवन राज्य दे दिए थे। इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी घर से चावल लेकर आना, ठीक है, और यहाँ से हम थोड़े थोड़े चावल आपको देंगे, आप लोग लेकर के अपना घर में ये चावल रखना और भगवान की भक्ति करो, भजन करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की रे, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, Oh,
लगा लो। हाँ देखो कल पता है एकादशी व्रत कितना बजे खुलेगी पता है? 10 बजे से पहले। हाँ देखो जैसे इधर सुना जो एकादशी व्रत रखे हैं उसमें नियम है दूसरे दिन एक समय को अंदर में व्रत खोलनी चाहिए। व्रत खोलनी चाहिए मतलब एकादशी का दिन जो चीज नहीं चलती है जैसे अन्न रोटी है अगर थोड़ा मुंह में दे दोगे फिर व्रत खुल जाती है। 10 बजे को अंदर में सूर्य उदय के बाद में 10 बजे को अंदर में थोड़ी सी मुंह में कोई चावल हो या जो रोटी हो अगर मुंह में दे दोगे अगर ठाकुर का कोई भोग लगा हुआ वस्तु अगर दे दोगे तो आपका व्रत आपकी खुल जाएगी। आप ये चीज को ध्यान रखना ठीक है। और जैसे भगवान कृष्ण का शादी है रुक्मिणी की कुछ कुछ माताएं वो साड़ी देती हैं भगवान की अगर कोई बढ़िया साड़ी दोगे फिर वृंदावन में हम मंदिर में जो राधा रानी को पहनाएंगे अगर आप कोई अच्छी साड़ी दोगे। इसलिए जैसे द्रौपदी जब भगवान की अंगुल कट गई ना उन्होंने बैंडेज कर दी ठाकुर जी ने क्या दिया भरी सभा में उसकी लाज बचाई। कहते जब ठाकुर को साड़ी देते हैं उसमें जितने धागा है ना कहते उतना कल्प तक उनको वैकुंठ वास होता है उसमें जितने धागा है अगर लाओगे तो हम राधा रानी को वृंदावन में पहनाएंगे ठीक है। अभी खड़े हो जाओ प्रभु जी अभी एक भजन गाएंगे फिर उसके बाद आरती। आज जो प्रसाद बना हुआ है वो एकादशी का प्रसाद है। आप लोग सोचोगे भैया एकादशी में हम क्या खाएंगे एकादशी में आज हम जिनको घर में रुके हैं ना आज तो उन्होंने छापान्न भोग बना दिया था माता जी ने इतने तरह तरह का बनाए थे हम लोग आज तो अन्नकूट अपने अपने घर में बना दिया इतने सुंदर सुंदर उन्होंने प्रसाद बनाए थे। श्री राधा राधा रटतई भव बाधा कटि जाय कोटि जनम किया पिता श्री राधा सो जा। चाहोगे हम माला जप करना चाहते हैं आरती के बाद में हम इनको यहाँ पर बैठेंगे इनके घर में बैठेंगे अगर जिसकी इच्छा होगी हम भी माला जप करना चाहते हैं आप लोग माला ले सकते हैं आरती हे माँ की बिहारी तेरी आरती जी